सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मार डाले ना, यह दिल कितने हुए ना पता।
sorry. Sanjay, please. Bloody assistant. Get out of here. Go fix the light. Go. Get out of here. Sir. I don't want you here. Go. Out. मैंने तेरे को सिखाया तो मुझे सिखाएगा? Idiot. Bloody junior. का senior? Come on, girls. Don't spoil your mood. Come on, put your smile up. And you please lose some weight here. Mac. Call for you, sir. Who the hell is it? आपकी मंगेतर है अंजलि. Junior. ए लंबे बाल वाले तेरे को बोल रहा हूँ. ये फोन उठा और बोल मैं यहाँ नहीं हूँ. बोल बोल बोल. Put your smile up. Come on. हाँ भाभी जी, उसने मुझे ये बोलने के लिए बोला कि वो यहाँ पर नहीं है. ए, तुम लोग एक घंटे के काम के लिए पांच पांच घंटे लगा रहे हो हैं? अरे काम करो, तंबूरा बजा रहे हो, ये सबके पैसे कौन मरेगा? मेरा बाप. हाँ. अरे अच्छा काम करने के लिए वक्त तो लगेगा ना. तुम एक काम करो, अपना थोबड़ा लेके ना, मैगजीन के कवर के पीछे छाप तो बहुत बिकेगा. अरे बार बार क्यों आ जाते हो तुम? अंदर जाओ ना, अपना काम करो. टेबल पे बैठ के वही है, वही मॉडल है, ये देखो वही लोग. देखा, बदले नहीं है. जाओ, हाथ लगाने का एक मौका नहीं छोड़ता साला. अगर लकड़ी पे साड़ी भी लपेट लो ना तो इन लोग सूंघते हुए आ जाएंगे. What did you understand? Why are you shaking your head? Come on, smile. Excuse me, sir. अंजी? क्या मैं किधर है? क्या काम है? अरे ये मैक के होने वाले बच्चे की माँ है. क्या? मेरा मतलब मैक की मंगेतर है अंजलि, जो मैक से मिलना चाहती हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हैं मैक की मंगेतर. हाँ, हाँ. जी, मैक इस वक्त यहाँ पर है क्या? ऑफ कोर्स है ना, वो कब से आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं. आइए मिलवाता हूँ. आइए, तो बात बन गई. क्या है मेरे हाथ में? बिस्किट है जो पीछे पीछे आ रहे हो? अरे मैं मैक का जिगरी दोस्त हूँ भाई. चिड़ियाघर है क्या जो किसी भी जानवर आने दिया जाए? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंह से बात कर, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा. गुड, परफेक्ट. आइए, कितना काम करता है. देखिए, या मैं, देखो कौन है. कौन है? सुनो मेरी बात तो सुनो संचिता. क्या? अंजलि, सॉरी सॉरी, मेरी बात तो सुनो प्लीज. गाड़ी चालू करो, मुझे अभी से बग जाना है यहाँ से. मुझे कुछ नहीं सुनना है. हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना है. तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम ऑफिस नहीं बाहर काम पे जा रहे हो? अगर तुम मुझे मिलना नहीं चाहते तो पहले बता सकते थे. झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? किस कम्बख्त ने तुम्हें झूठ बोला? किसने बोला तुम्हें झूठ? मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले तो आया हूँ मैं. तुम्हारी कसम, बस. झूठ बोलते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर. जो शर्म क्यों आनी चाहिए मुझे? अरे किस तरह तुम वो आधी नंगी लड़कियों को इधर उधर हाथ देके पकड़ रहे थे? ये तो मेरा धंधा है. धंधा? मेरा मतलब धंधा मतलब है, उनका हाथ पर पकड़ के उनको बताना पड़ता है कि नेचुरल प्रोसेस क्या है. ये तो तुम, बल्कि तुम तो टीवी देखती रहती हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमको तो मालूम होना चाहिए. वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख सकती. अच्छा देखो देखो, मेरी बात सुनो. तुम मेरी मंगेतर हो, ठीक है? मुझ पर विश्वास करो. मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा. मैं, मुझ पर विश्वास करो. अब ये काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ. ओके, आई लव यू, बाय 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 बाय. ये अपना पल्लू पल्लू. हाँ, हलकट, इसको यहाँ क्यों लेके आए? अरे मैं नहीं लाया, वो लाई मुझे यहाँ पर. और मुझे क्या मालूम तुम वो गोपियों के साथ रासीला खेल रहे हो. साले, देना है तो पूरा देना, कोई उधारी मत रखना. 2 महीने से गाड़ी का किराया नहीं दिया, गाड़ी पेट्रोल चलती, कोई पेशाब नहीं चलती. दे दूंगा. गुस्सा मत कर, चल चल जा जा, इसको लेके जा, आराम से लेके जा, लेके जा, लेके जा. बाय बाय डार्लिंग, बाय. चल जल्दी 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 निकल. गरम मसाला मैगजीन शो. गरम मसाला मैगजीन. हाँ, उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि शनिवार को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी. कहा? एक नया और बहुत ही अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, चाइना टाउन. मैंने टेबल ऑलरेडी बुक कर लिया है. ठीक 5:30 बजे रेस्टोरेंट के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. हाय मैक्स, कल 5:30 बजे मिलते हैं ना, तुम्हारा फेवरेट खाना खाएंगे. चाइनीज रेस्टोरेंट खुला चाइना टाउन, क्या ख्याल है? खाना खाने के बाद हम लोग नाइट शो में चलेंगे. ओके, प्रोग्राम फिक्स. ओके, see you tomorrow. Mac. बोलना. सर, सर अब वक्त आ गया कि हमारी तनख्वाह डबल कर दीजिए सर. सर, और एक गाड़ी भी दिलवा दीजिए दोनों को, और 3 बेडरूम का फ्लैट भी दे दीजिए सर. नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दूँ. तुम दोनों को एक एक बंगला दे दूँ और एक एक मर्सिडीज दे दूँ. सर क्यों मजाक कर रहे हो? शुरू किसने किया? अरे गधों, में ये सोच रहा हूं कि तुम दोनों की तनख्वाह आधी कर दूं.
3 लाख रुपए मैंने खर्चा किए वो कॉल पेज रेडी करने के लिए, तुम दोनों को भेजा, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। सर ये मैंने नहीं खींचा, इसने खींचा सर। और ये? सर ये इसने खींचा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे मैंने इनॉग्रल फंक्शन में तुम दोनों को भेजा था क्योंकि चीफ मिनिस्टर जी वहाँ रिबन काटने वाले थे, और फोटोज तुम लाए हो, इसमें चीफ मिनिस्टर जी दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या है? एक में कैची और छाती और दूसरे में लड़की की टांगे और बगैर मुंडी का चीफ मिनिस्टर। सर ये कैमरा की गलती है, अगर अच्छे फोटोग्राफ चाहिए तो आप लोगों को अच्छा कैमरा भी देना चाहिए ना। कैमरा? अरे फोटोग्राफी क्या है वो सीखो पहले तुम लोग। देखो इस तरह से चलता रहा ना तुम दोनों को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी सर, आइंदा से गलती नहीं होगी। यस सर गलती होगी। तुम्हें पता है कुछ दिनों में क्या है? हाँ मेरा बर्थडे सर। बर्थडे नहीं, इंटरनेशनल प्रेस फोटोग्राफी का कॉम्पिटिशन है। तुम दोनों ऐसे कुछ फोटोज ले आओ जो मैं वहां पेश कर सकूं, अपनी कंपनी का नाम रोशन कर सकूं। क्या ये टांगे भेजू उधर मैं? देखो अगर ये भी तुमसे नहीं हुआ ना तुम दोनों को चपरासी बना के कॉरिडोर में बिठा दूंगा स्टूल के ऊपर। जाओ मेरा ब्लड प्रेशर मत पड़ो, ब्लड प्रेशर मत पड़ो। किसकी टांगे है? मैंने दोनों टांगे। जाओ तुम लोग। चल भाई बॉस जाने को बोल रहे। चल 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 काम पे चले। सॉरी सर। तेरे को कितनी बार बोला जब भी नहा के निकलेगा नल बंद करने का ना? तू हमेशा खुला छोड़ता है, मैं बंद करके आता हूँ। लेकिन बंद तेरे को करने का, क्योंकि मैं यहाँ का मालिक हूँ। कंपनी ने मुझे भी बोला है यहाँ रहने के लिए। वो मेरी वजह से बोला है, समझे ना? तेरे को वरना कौन पूछ रहा है तेरे को। चल अभी दिमाग मत खराब कर, चल मेरे को जाने का। हाँ मैं भी बाहर जा रहा हूँ। तू किधर जा रहा है? मैं मंदिर जा रहा हूँ, चलते है? नहीं मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, आना मेरे साथ? तेरे को देख लिया ना, बहुत हो गया, दिन बन गया, चल। ए चलो यार फटाफट तैयार हो। अरे शर्ट कहाँ गई मेरी? हाँ शर्ट। मुझे मैगी ने बुलाया। मुझे मैगी ने बुलाया? इजी। मैंने तुम दोनों को यहाँ नहीं बुलाया, तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने मैगी को बुलाया। मैंने भी मैगी को बुलाया। तो भी झगड़ा मत करो, हम तीनों साथ में खाना खा लेंगे। एक काम करते, बिल मैं दूंगा। नहीं नहीं बिल मैं दूंगा, ये मेरी पार्टी है। तू अपना बिल दे, मैं मैगी का बिल दूंगा। ओफो पहले खाना तो खा ले फिर देख लेंगे कौन बिल देगा। चलो ओफो छोड़ो, टांगे तो नीचे रखो अपनी। चलो गॉड बोथ ऑफ यू ले मी। तू जाना यहाँ से, देगा भी तेरे को। ए अंधा है क्या? लड़ी इडियट। सॉरी आए तू जा उसको मार जाके। कम ऑन डार्लिंग। सॉरी चलो डार्लिंग। फूड सर। मैगी ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है स्पेशली तुम्हारी आंखों के लिए। तुम्हारी आंखें तो पहले से ही अच्छी है, तुम ये खाओ जो मैंने ऑर्डर किया है, इससे तुम्हारा दिल और दिमाग तेज हो जाएगा। दिमाग की जरूरत तुझे है, तू खा। अरे मेरे पास पहले से ही दिमाग है तो लेके क्यों नहीं आता, घर पे क्यों छोड़ के आता? चुप बैठ। अरे अरे कूल अब झगड़ा मत करो, मैं दोनों की पसंद का खाती हूँ। कम ऑन लेट्स ईट, आई एम वेरी हंग्री। ओके डार्लिंग। ओ भारी पांव, पांव उठाना फटाफट, कितना टाइम लगा था एक टेबल पर। Eat this, good for your thighs, eyes. सब बिल। बोला ना बिल मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा।
ये गलत है, ये मेरी दावत है, मैगी और मेरा बिल मैं दूंगा। ये टिप नहीं मांग रहे उन लोग, बिल मांग रहे हैं। तू खा ले, मेरा भी खा ले। दिस डिनर इज ऑन मी, नोबडी पेज। अब जाने दो सैम, तुम फिर कभी दे देना, आज मैक को देने दो। हाँ तुम कहती हो इसलिए, वरना मैं किसी की मेहरबानी नहीं लेता। ओह कम ऑन सैम, अब झगड़ा मत करो, कूल डाउन, चलो कुछ और खिलाओ मुझे। आ गया बटो। ए, कहां देख के चल रहे हो तुम? जल्दी जल्दी साफ करो और सब ले जाओ यहां से। स्टूपिड। शट अप यू। ये नालायक, दिखता नहीं क्या? चलो मेरे साथ। स्टूपिड डिस्टर्बिंग। हाँ तुम्हें क्या बोल रहा था, कैसे गिरते हैं ना लोग तुमको देख के। कुछ भी। ए दोस्त। माफ कर देना यार, गलती हो गई, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल तू ही भर दे यार। अब आया ना लाइन पे। अब तुझे पता है ना मैगी मेरे साथ है, बिल्कुल बिल मुझे भरना चाहिए। सॉरी। अच्छा वो आज चश्मा पहन के नहीं आई तू? ये जो कलर है ना लेंसेज का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। You like it? Yeah. So nice. Are you gonna eat those cherries? No, do you want sure? it? Oh. I love cherries. Yeah. मेरी माँ ना। तुझे बुरा लग रहा है ना? किस बात का? अरे मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा है, ये ले तू भर। पागल है क्या? अरे भरना यार। तू भरना। अरे यार ऐसे मत कर, दोस्ती का खाना नहीं भरना। छोड़ो यार, तुम्हारा आधा करके पे कर दो ना, जस्ट पे हाफ हाफ। एनीवे आई विल बी बैक, मैं जरा बाथरूम में। यस यस ओके 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 ओके। मैडम बिल। वो तो वो दोनों भरेंगे ना? वो लोग तो चले गए, उन्होंने कहा मैडम बिल भरेंगी। नमस्ते सर। बोलो बेटा क्या चाहिए? शायद आपको पता नहीं सर, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आपसे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जो कहीं छपी ना हो, ना ही किसी ने देखी हो, और नेगेटिव के साथ। क्या है ना कि ये मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए है, और उसके लिए आपको जो भी कीमत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ सर। तस्वीरें तो अभी नहीं है, मेरे पास कुछ नेगेटिव्स हैं। जी वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी चलेगा? यस सर। तुम दोनों की शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी, तुम दोनों की मर्जी से, लेकिन जिस दिन से तुम दोनों की सगाई हुई है उस दिन से तुमको झगड़ते ही देख रहा हूं, झगड़ते ही देख रहा हूं। अरे तुम दोनों के पिताजी बचपन के दोस्त थे, हमेशा साथ साथ रहे, यहां तक कि दोनों ने यहां आकर इंडियन एम्बेसी में साथ साथ नौकरी की। पानी देना इसको। दोनों साथ साथ रिटायर होकर इंडिया वापस चले गए। अब तुम लोग झगड़ा करके उनकी दोस्ती को तोड़ मत देना भाई। अगर तुम लोगों को शादी नहीं करनी है तो अभी फैसला कर लो, बिल्कुल अभी। मैंने कब मना किया मैं शादी नहीं करना चाहता? ओके आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हें हफ्ते में दो बार पिक्चर दिखाऊंगा, तीन बार होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा, और 27 को तुम्हारा बर्थडे है ना, मुझे याद है ना, देखो मैं भूला नहीं। अच्छा उस दिन सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा और सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा। ओके अगर तुमने ये वादा निभाया तो। अब जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगी उस दिन मैं तुम दोनों को इंडिया भेज दूंगा और तुम दोनों की शादी करा दूंगा, ठीक है? अब डकार मत लेना भाई। मैगी किधर है यार? आ जाए नहीं है? Congratulations, श्याम, तुमने जो अवार्ड जीता है उससे हमारे कंपनी का नाम ऊंचा हो गया है। कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल प्रेस फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है इसे। तुमने देखा नहीं सारे अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया और कंपनी को जो इनाम 1 करोड़ मिलेगा उसमें से 10 लाख तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और अमेरिका की 1 महीने की ट्रिप फ्री। थैंक यू सर। मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। और क्या देना चाहते हो?
आज से तुम्हारी पगार डबल। और सुने, आज से कंपनी ने जो तुम्हें बाइक दी और फ्लैट दिया है ना, दोनों की चाबियां इसे दे देना। और आज से तुम्हारी कुर्सी पे ये बैठेगा, आज से ये तुम्हारा सीनियर है और तुम उसके जूनियर, समझे? शाम काम काम बात करनी है अलग सर। थैंक यू। चला हट। ये क्या बकवास है, उसको अवार्ड कैसे मिल सकता है? सर आप जानते हैं कि वो एक फोटो ढंग की खींच नहीं सकता है, और आप लोग उसको सर वो जब कैमरा पकड़ते तो ऐसा लगता है जैसे नारियल पकड़ा उसने। मैं तुम दोनों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम दोनों को फोटोग्राफी नहीं आती, लेकिन उसे अवार्ड मिला सर। वो फ्रॉड है, वो चीटर है, वो कहीं कहीं से फोटो चोरी करके लाके कॉम्पिटिशन में देता है। मुझे अच्छी तरह पता है उसने किस दुकान में से वो फोटोग्राफ चुराया है, लेकिन भैया उसने हमारा मैगजीन गरम मसाला का नाम रोशन कर दिया। सर, I will not leave this war has to be। चुप। टीर, शांत हो जा। ये भूख से तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, शाम को पार्टी में आ जाना और पेट भर खाना खा लेना, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। ओके, बट आई विल फाइट सर। बाहर निकल, चल चल। आई विल फाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम के नाम। दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है
कि शाम ने हमारा मैगजीन गरम मसाला का नाम इतना रोशन कर दिया है, इतना रोशन कर दिया है कि वो और भी गरम और भी मसालेदार हो गया है। और हमारी कंपनी की तरफ से हम शाम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसकी अमेरिका की ट्रिप सफल हो जाए ये शुभकामना करते हैं। सो शाम, यस टू यू, अ बॉन वोयाज। थैंक यू सर। चीयर्स टू शाम। काय का बॉन वोयाज, साला मुफ्ती मुफ्त में अमेरिका जा रहा है, चोरी किया फोटोग्राफ भी, अकल नहीं है। ए, तुम लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम लोग काली क्यों बचा रहे? पागल हो गए क्या तुम लोग? Girl, beat the groove and taste your hot chili masala. You can move around, you can swing along with chili, chili, chili beat masala. Wanna, wanna, wanna finger in now. Wanna, wanna, wanna get the price down. Wanna get hot, 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 hot with girl masala. गाना मत गा प्लीज़। ऐसे उदास गाने क्यों गा रहे हैं? ऐसे चूसे हुए आम के जैसे गाने क्यों गा रहा है, है? अरे भूल जा अपने दोस्त को, कहीं से फोटो लेके आया, चिपका दी और अवार्ड लेके उड़ गया ना वो, है? इसलिए बोलता हूँ भाई, ईमानदारी की पिपुड़ी बजाते रहोगे तो एक दिन बहरे हो जाओगे। किसी ने सही कहा है, हर तकदीर के पीछे एक बहुत बड़ा गुना छिपा होता है। किस महान आदमी ने कहा है? चलना आगे बोलना, मैंने नहीं बोला, चल। नहीं नहीं, जिसने भी कहा है सच कहा है, पैसा ही सच है। अगर पैसा है तो सब कुछ है तुम्हारे पास, नहीं तो कुछ नहीं। देख, तेरा घर गया, बाइक गई, लड़की भी गई, सब कुछ उसका हो गया, ऊपर से वो तुम्हारा बॉस हो गया, क्या तू उसे हराना नहीं चाहता? अरे मेरा बस चले ना, तो उसने मेरा घर छीना ना, उसके सामने मैं अपना बंगला बनाऊंगा। मेरा बाइक लेके गया ना वो, उसके सामने मैं तीन तीन इम्पोर्टेड गाड़ियां घुमाऊंगा। मुझसे मेरी मैगी छीन ली ना, मैं उसकी सारी गर्लफ्रेंड छीन लूंगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा है? लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए? अरे चंपक, लड़कियों की तू फिकर ही मत कर, एक से एक आइटम को मिलवा दूंगा। लेकिन ए, मैंने जन कल्याण सेवा मंडल नहीं खोल के रखा है, मैं हूँ लेकिन मुफ्त नहीं हूँ। जानता हूँ मुफ्ती, जानता हूँ। कितना मुंह खोलेगा बोल? अरे तेरी जेब से कम नहीं लूंगा बस। लेकिन ए, आजकल की लड़कियां सूरत पे नहीं जाती, वो जाती हैं बैंक बैलेंस पे। वो देखती हैं कैसा घर है, कौन सी गाड़ी है, कितने क्रेडिट कार्ड्स है उसके पास, समझा देवदास? कब बैठिए ना। मैंने कहा था ना, यही है वो लड़का जो पिछले एक साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है एयरपोर्ट के बाहर, तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ तुमसे हेलो कहने के लिए। और ये है पूजा, एयर होस्टेस है, फास्ट एयर में काम करती है। हाय, आई एम मकरन। हाय, आई एम स्वीटी फ्रॉम हाई फाई एयरवेज। यू कैन कॉल मी मैक। हाय, आई एम दीप्ति फ्रॉम जेट स्पीड एयरवेज। ऊपर वाला भी क्या तकदीर का पहिया घुमाता है कि राजा को भिखारी और भिखारी के सर पे ताज पहना देता है। अरे वो ऊपर वाले ने पहिया नहीं घुमाया यार, वो तोन वाला नहीं है, वो चीफ एडिटर, उसने सब कुछ किया है। जो भी हो, अब वो जब भी शाम का बच्चा वापस आएगा, वो जो भी हुकुम झाड़ेगा वो तो तेरे को चुपचाप सुनना पड़ेगा ना। अरे मुझे उस बात का अफसोस नहीं है यार, लेकिन वो मैगी ने उसे किस किया ना मेरे सामने? पूछो, मेरे पास ऐसी तीन आइटम बम आई है ना, मैगी तो उसके सामने नूडल ले गई कसम से। कहां से मिल गई यार? छोड़ ना यार, तेरे को उससे लेना लेना क्या, कहां से मिली है? तू मेरे को घर बताने वाला था ना, वो बता घर कहां मिलेगा। घर 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 घर, अभी तू गाने मत गा, मेरे को बता कहां मिलेगा घर। एक जगह है। कहां? लेकिन उसके लिए तुझे 420 बनना पड़ेगा। अबे जेल नहीं जाना, ओ मुझे उल्टी सीधी बातें मत पढ़ा, ये बता घर कहां मिलेगा। अरे ऐसा रिस्क कुछ भी नहीं है, मेरा एक पुराना सेठ है ना, उसका फ्लैट खाली पड़ा रहता है, उसने अपनी बेटी के लिए लिया था, वो अभी अमेरिका में रहती है। क्या मस्त लड़की है यार, लेकिन वो इतनी सीधी आइटम भी नहीं है, पता है? वो अमेरिका में किसी काले अंग्रेज के साथ रहती है, और वो भी बिना शादी के, उसके बाप को पता भी नहीं है। एक बात बोलूं, सबसे खतरनाक बात,
छोड़ दे जान दे। ए बताना। जान देना यार। अरे बताना चल मेरे के सामने किसी को नहीं बताऊंगा। किसी लड़की बारे में ऐसा। अबे लड़की के बारे में नहीं फ्लैट के बारे में पूछ रहा हूं। फ्लैट के बारे में बता। अरे फ्लैट खाली रहता है ना तो उसकी रखवाली के लिए सेठ किसी को ढूंढ रहा है। अब तूने उसको पटा लिया और तुझे नौकरी मिल गई तो फ्लैट तो तेरा हुआ ना। तो तू मुझे उसके पास लेके चलना। तू मुझे लेके गया ना तो तेरे को फ्लैट तो कभी नहीं मिलेगा, ऊपर से मिलेगा प्रसाद। अबे क्यों मारेगा मेरे को, क्यों मारेगा वो? अरे यार इतना बेरहम आदमी कुछ पूछो नहीं। एक बार क्या हुआ, दारू के बार में उधारी के चक्कर में मैंने उसकी मर्सिडीज के चार पहिए बेच दिए। मैंने सोचा जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं उसके पहिए वापस लौटा दूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नौकरी से निकाल दिया, साला उल्लू पट्टा पागल बुड्ढा। अच्छा सुन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। उस सेठ को तो मैं पटा लूंगा। हाँ? लेकिन वो तीन आइटम बम जो मैंने पटाई है उसके लिए गाड़ी तो चाहिए भाई। नहीं, नहीं, गाड़ी का हो जाएगा, गाड़ी की चिंता तू मत कर। गाड़ी तो मैं तुझे लड़की से बढ़कर दूंगा, लेकिन रोज भाई गाड़ी दूंगा इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं कोई बात, तू अपने आइटम लोग को बोलना, तेरे पास बहुत सारी गाड़ियां है। ये सुन। हाँ बोल। अगर मुझे दारू की बोतली रोज नहीं मिली ना तो तुझे गाड़ी तो नहीं मिलेगी, तुझे स्टीयरिंग मिलेगी। पकड़ के लेफ्ट राइट करते रहना। कसम से पागल है रे। नाम? जी मकरंद गोडपुले, मैक बोलते हैं प्यार से। काम क्या करते हो? जी मैं फिलहाल तो काम की तलाश में हूं, लेकिन आपको अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हूं। ओ, तो तुम कहानी लिखते हो? नहीं नहीं कहानी नहीं लिखता हूं सर। इस दुनिया में मेरे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका अकेला सहारा हूं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं साहब, मुझे काम दो। ड्राइविंग जानते हो? जानता हूं, लेकिन मैं गाड़ियां नहीं चलाता। मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। खाना बनाना जानते हो? हाँ खाना बनाना जानता हूं, लेकिन हमेशा नमक ज्यादा डाल देता हूं। क्या कर सकते हो? घर की रखवाली कर सकते हो? जी वो अच्छी तरह कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं, वो आप जो बोलोगे मैं कर सकता हूं। वैसे मैं अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम अच्छे परिवार से लग रहे हो। वैसे मैं बहुत बाहर रहता हूं, पोर्टलुई में मेरा एक फ्लैट है, तुम कल आके चाबी ले जाना। ऑन। खोलो तो। ये कौन है? अरे मैंने तुझे बताया था ना। वो आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, मांबो, सारे लोग इसे अंकल मांबो कहके पुकारते हैं। तो उसको यहां तो बुलाओ। अंकल, अंकल ये मकरंद भाई हैं, सब लोग इन्हें मैक कहके बुलाते हैं। हेलो। एटीट्यूड प्रॉब्लम। इसको सब समझा दिया? हाँ सब कुछ बता दिया। मेरे बारे में सब बता दिया? सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुंबर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंथ सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं चला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। क्लियर? टीवी, टीवी। हाँ हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा। और डे नाइट मैच होगा, होटल से खाना मंगा लेना। ठीक है। और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। जी सेठ जी, और कुछ चीजें? बस मैं अपनी बातें बोल लूं? बिल्कुल जी। ऐसा है, हम लोग क्या है, सब लोग जवान लोग हैं। हम लोग यहाँ मौज मस्ती खेल कूद सब करते हैं, तो किसी भी हिसाब की दखलंदाजी नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे वो करो। मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए और एक तरह को पगार मिल जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा हुआ है। फिर जाके याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आया करती थी। तुम जानती हो ये क्या है? क्या है? अंगूठी। ये वो अंगूठी है जो मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी, और मेरी दादी ने मेरी माँ को, और मेरी माँ ने मुझे, और मुझसे कहा था बेटा जिस दिन तुम्हें अपनी जीवन साथी मिल जाए ना, ये अंगूठी उस लड़की को पहना देना। और गेस व्हाट, भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली और आज वो लड़की दे दी मुझे। सच? ये क्या कर रहे हो, अंगूठी क्यों निकाल दी? अब तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना। अब तो ये अंगूठी उसी दिन पहनाऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी।
उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी उंगली पे चमकती रहेगी। So sweet. छगन, छगन, चल बेटा गाड़ी चला। बब्बन। Come on, darling. Come. Come. तुम जानती हो क्या है? ये अंगूठी है। अंगूठी है लेकिन बहुत स्पेशल अंगूठी है। ये अंगूठी मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था, जिस दिन अपने जीवन साथी ढूंढ लोगे बेटा, ये अंगूठी उसे पहना देना। और आज मैं वही करने जा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अब तो मेरी मंगेतर हो गई हो। ये अंगूठी मैं उसी दिन पहनाऊंगा जब तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी। उस दिन के बाद ये अंगूठी हमेशा के लिए तुम्हारी उंगलियों पे चमक जाएगी। कंट्रोल वो तुम्हारा फ्री चुप रहा। कम ऑन। तुम्हारी उंगलियां कितनी खाली हैं? जानती हो स्वीटी, ये जो अंगूठी है ना, ये मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को और मेरी माँ ने मुझे। और साथ में ये कहा था कि जिस दिन मुझे अपने जीवन साथी मिल जाए उसे मैं ये अंगूठी पहना दूँ। और तुम मुझे मिल गए। I'm so happy. ना, अभी नहीं। क्यों? अब तो तुम मेरी मंगेतर हो गई हो ना, शादी के दिन ही तुम्हें मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा। तो ना क्या कर? अरे शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखो तेरा चेहरा वहीं देखो। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखो तेरा चेहरा वहीं देखो। हर एक मंजर तेरा मंजर, वो क्या मंजर जहां तुझको नहीं देखो। किसने तराशा ये बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें, ये चेहरा परीसा। तू ही मेरा हासिल है, तू ही आरज़ू, बहारों को नजारा
उसके दूसरे दिन एक बात बोलो जान, ये तुम क्या लिखते रहते हो? अपने आपको क्या पायलट समझते हो? मेरे मिनट मिनट का हिसाब रखते हो क्या जान? बिजनेस में टेंशन बहुत है ना, इसलिए बिजी रहता हूँ। सब कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि जब तुम घर आओ तो अपना सारा काम धंधा निपट के मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं, ताकि हम लोग साथ साथ रह सके। पानी दो ना। मैं बो दो कप चाय लेकर आओ। चाय बनाना ऑमलेट खाने जितना आसान नहीं है, कितना मेहनत का काम है मालूम है? गैस इधर इधर गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाकर चाय बनती है। पूजा कर लेने से चाय नहीं बनती है। मैमो पूजा पूजा की बातें मत क्या करो, जहाज ले जाके चले क्या हो? चले जाने का नहीं, बैरानी हूं मैं। देखा तुमने कैची की तरह इसकी जुबान चलती है, कितनी बार कहा इससे छुटकारा पाओ, आखिर में तुम इसे काम से निकाल क्यों नहीं देते? अरे उससे फायदा क्या होगा, उस बेचारे की तकलीफ ही है, उसे बोलना आता है बात करना नहीं आता। अब कल ही की बात है वो तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा, कहता है कितनी अच्छी लड़की है बेचारी। झूठ, वो मेरी जरा भी तारीफ नहीं करता। जब मैं पहली बार घर आई थी तो मेरे साथ मेहमानों की तरह पेश आ रहा था, और अब जैसे कि तुम पर मेहरबानी कर रहा हो। मेरी बात तो सुनो, वो तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हारे अपने वो क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थकार के बस्ता लेके आता है, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ बाप, वो तो तुम्हारे बाप जैसा है, उसके अंदर तो ममता कूट कूट के भरी हुई है। अगर ऐसा है तो अपनी चाहत को बनियान में छुपा कर क्यों रखता है? वो हमारी तरह क्यों नहीं हो सकता जान? हमारी तरह कैसे हो सकता है वो? है अरे वो साला बुड्ढा, एक पाँव खबर में एक पाँव केले के छिलके पे, मरने देना बुड्ढे को। है बुढ़ा किसको बोला रे? किसको बुढ़ा बोला तू? मेरे को बुढ़ा बोला? बुढ़ा किसको बोला तू? किसने बोला भाई तेरे को बुढ़ा? किसने बोला? मैं बहरा नहीं, तू मुझे बुढ़ा बोला। मुझे बुढ़ा बोला तूने? मुझे हाँ बोला तो क्या करेगा? बुढ़े को बुढ़ा नहीं तो बच्चा बोलेगा क्या? ये पूजा की अगरबत्ती, बुढ़ा तू, बुढ़ा तेरा बाप। शट अप। कभी प्लेन गिरा देगी ये? बात ये बुढ़ा बोलती है, साइकिल पे बैठना आता नहीं है, प्लेन क्या हो रही? प्लीज अपनी आंख और कान बंद रखा कर, मैंने तो कितनी बार बोला, प्लीज हाँ तो बोल। आंख बंद रखा कर, रखेंगे आंख बंद है भाई। चलो चके पूजा मैडम का बैग लेके आओ। आंख बंद करके लाऊं? तो 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोल के ले आओ। 5 सेकंड में बैग मिली तो ठीक है, नहीं तो जाएगी बिना बैग के। ज्यादा बोला मत क्या करो बुड्ढे कहीं का। देखो कैसे छटका दिया मैंने उसे, चुपचाप बैग लाने चला गया। अम्बो जल्दी बैग लेके आओ। जान, I'll miss you a lot. पता नहीं मैं क्यों एरोस से सुन, मेरा मन नहीं कर रहा जाने। फिलहाल जाओ, काम करना बहुत जरूरी है, ओके? Go 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 now, come on come on come on come on come on. अच्छा ज़्यादा देर खड़ी मत रहना प्लेन में, ओके? Bye bye. अरे किस गई वो? Mac, hey Mac. Oh Mac, excuse me. Hey hey. ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, 1 मिनट पहले आया, लेकिन वो 1 मिनट 100 साल के बराबर था। कम, लेट्स गो। 1 मिनट बैग तो ले लो। ओके ओके। कम। लेट्स गो, लेट्स गो। ये चमेली जा रही है, बैंकॉक टेक ऑफ हो गया, सिंगापुर लैंड हो गया, मुंबई फ्लाइट उतर रही है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है, इसे और कोई काम नहीं है क्या? पता नहीं। तुमने इसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है।
ये तुमने क्या छुपा के रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हाथ रख के पीछे क्यों खड़ा है? अरे देवी, कभी कभी आदत होती है, कोई ऐसा खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फिर वो दिखाता क्यों नहीं कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है? मुझे देखना है। मैं नहीं दिखा सकता। फुसल फुसल क्या कर रहा है? हमको नहीं देखना तेरे पास क्या है, रखो अपने पास। रूम आराम से बैठ के बातें बातें करते, तुम डांटी वाटी चेंज वेंज कर लो। मेरी बात, जब तक वो नहीं दिखाता कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दिखाऊंगा तो तूफान आ जाएगा यहाँ पे। तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, देख के आऊंगी। देखना है ना तुम्हें? हाँ। नो, देखना है ना? हाँ। तुम्हें दिखा दो। दिखाओ। मेरी पतलून पीछे से फट गई है और मैंने अंदर कुछ नहीं बना। अभी कंप्लेन मत करना कि मैंने ऐसा क्यों दिखा। दिखाओ, दिखाओ, बस दिखाओ। ठीक है। लो, मुझे लगता है मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये तुम्हें बचाने के चक्कर में किसी दिन मेरी पतलून सचमुच फट जाएगी। ये क्या बना रहे हो? मुझे सैंडविच नहीं खाना, चलो मलाई कोफ्ता बनाओ। ये क्या है? तुम उसे जो चाहे नाम दे सकती हो, हम लोग उसे मटन कटलेट बोलते हैं। क्या? लेकिन किसके लिए? मैक तो वही खाता है जो मैं खाती हूँ। उससे पूछो। मैक। या जान। मैक, ये मटन कटलेट्स किसके लिए हैं? मटन कटलेट क्यों बनाया इसने? लगता है अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी बनाता रहता है। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उसे? You're right. मामू! किसको पूछ के तुमने मटन कटलेट बनाया? मैं पूछता हूँ, किसको पूछ के तुमने मटन कटलेट बनाया? तुम्हें नहीं मालूम कौन खा रहा था? मैक, तुम मटन खाते हो? मैंने कब मटन खाया? मैंने कब कहा तुमने खाया? फिर किसने खाया? उसने। किसने? याद दिलाऊं किसने? हाँ बोलो। ओ जो सुबह सुबह ऑमलेट खा के गया था उधर से। मेरे को याद है। बोलना मत, मेरे को बता मैं सही हूँ कि नहीं। ये मेरा दोस्त अपना श्याम। कौन श्याम? कौन श्याम? हाँ श्याम, सैम मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया। कल रात को ही कभी आया? कल रात को नहीं, आज सुबह आया। बल्कि अरे अरे हाँ, आज सुबह आया। उसी ने कटलेट बनाया, उसी के लिए बना था। सच्ची कसम से, यू डोंट बिलीव मी? अच्छा हुआ याद आ गया। अरे मैक, अरे भाई तेरे लिए ईमेल आया है। पागल हो जाओगे। किसका ईमेल है? शाम का। वो कल अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से आ रहा है? अभी तो तुमने कहा कि शाम नाश्ता कर रहा था। किसने कहा? हाँ मैंने कहा। लेकिन ये शाम वो शाम नहीं है। तो सुबह कौन आया था जो मटन कटलेट खा रहा था? वो अलग शाम है। जो कल आने वाला ना अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है शाम। तो ये शाम कौन है? तेरे को नहीं मालूम? ये ईमेल कौन लाया? ये वो शाम कौन है? मेरे पांच दोस्त है, पांच। पांचों का नाम शाम है। तू क्या पांचों को जानता है? पांचों दोस्त का नाम शाम है, ये सिर्फ एक ही को जानता है। पागल है, इसका अलग ही ड्राइव रहता है। अरे सफेद नाक, फिर नाक की तरफ फनफनाना शुरू कर दिया। बोलना मेरे को ईमेल मिला नहीं, और वैसे भी उस गद्दार से कौन बात करेगा? ए, वो तो चाहता तू उसे एयरपोर्ट लेने जाए। एयरपोर्ट मेरा कुत्ता जाएगा उसको लेने। कुत्ता कब पाल लिया? कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। देख वो तेरा बॉस है, तुझे जाना पड़ेगा। ए, राजा हरिश्चंद्र की औलाद, एक झूठ नहीं बोल सकता भाई के लिए। तू भाई के लिए बोल सकता हूँ, दिल खोल के बोल सकता हूँ खुशी से। बस होगी, बहुत खुशी होगी, इससे ज्यादा खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। बेटी। मैक। हाँ। मेरी फ्लाइट की टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब वो सिर्फ दिन में उड़ान भरा करेगी। कितने बजे आएगी? वो सब मुझे आज पता चलेगा। अरे मर गए यार, अब सब कुछ एडजस्ट फिर से करना पड़ेगा। कौन से एडजस्टमेंट्स? नहीं वो जो मेरा काम है ना, तो तुम्हारे आने जाने की फ्लाइट के हिसाब से मुझे अपना काम एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सब कुछ वापस मैनेज करना पड़ेगा। तुम ना लो। हाँ नागेश्वर। मिस्टर नागेश। बोलो। मैं कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो आजकल ऑफिस में भी नहीं आता है। अरे मैं कितने दिन से उसको ढूंढ रही हूँ, ना मुझे मिलता है ना मुझे फोन करता है। ऑफिस में मैंने 3 मैसेज छोड़े, आज तक मुझे फोन नहीं किया। प्लीज बताइए ना मैं किधर है। मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं जा रहा हूँ। नागेश्वर जी कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। नागेश्वर जी आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं किधर है। अरे मुझे मालूम नहीं तो कैसे बताऊं मैं? झूठ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप कैसे बता सकते हैं। बताइए आपके हाथ पे कितना वजन रखूं? बताइए। आप
मेरा हाथ गरम कर सकती है? लेकिन अब जो काम मैं यहां पे कर रहा हूं उसे बाहर लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं बताना है, लेकिन अगर मुझे यही काम करना है तो मेरी पगार डबल करनी होगी। नहीं, हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? दिल्ली आ रही है क्या? किस कमीने ने उसको ये घर का एड्रेस बताया? मुझे क्या मालूम, मैंने उसको आते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बताया। अब जब नया घर मिलेगा तब तुम्हें ले जाऊंगा होटल रेस्टोरेंट सिनेमा फिनेमा जहां जाना है जाएंगे। गगन क्या हुआ? बबन बबन तुम भाभी जी को गाड़ी में छोड़ो। हेलो 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 मैं क्या? हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, तुम हाफ क्यों रहे हो? वो मैं दौड़ रहा था। क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ रहा था मतलब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ, यहाँ मत आना। नहीं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे और तुम क्यों? मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो, तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी का तेल ले ले, मैं आता हूँ ना पूजा एयरपोर्ट पे। बाय 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 बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। क्या? स्वातिला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, वो मेरे पूजा चाचा है, जानते हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कहके बुलाते थे। एक दिन वो तहां आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया, आज वो मेरे पूजा चाचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो मैम्बो। उसको क्या बुलाती है? उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। विश्वास नहीं है? नहीं। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता हूँ, बस। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। तुमने कभी बताया नहीं? तुमने कभी पूछा मुझसे? मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी, और ये नटखट मैं। हाउ स्वीट। माँ बाप भी पैदा कर लेता। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात बात करनी है बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े पहन लो, ठंड लगेगी। मैं तो मैं आता हूँ ना। ध्यान से मेरी बात सुन, मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी है, अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गए तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में। प्लीज मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, बैंकॉक फ्लाइट घर में, तो मुंबई फ्लाइट लैंड होगी तो बैंकॉक फ्लाइट जाए। पूजा
रही थी। अरे वो तुम्हें टैक्सी रुकाने जा रही थी। ओ मैक, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना घर चलते हैं। घर में मैम वो छुट्टी भी गया हुआ, एक काम करते हैं यहाँ एयरपोर्ट रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ चिकन ब्रेस्ट खाएंगे। ओके कम ऑन कम ऑन। हेलो, इज इट अर्ली? ओके मैं एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। राइट मैम, वो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रही हूँ। लगता है अपने पिछले जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बहुत मौका मिल रहा है। जान, तुम तारीफ कितनी करते हो। बस यही तो प्रॉब्लम है, दिल चीर के दिखाऊंगा तब विश्वास होगा, तब भी लगेगा मैं झूठी बोल रहा हूँ। हाय मैक, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं सोचा तुम मुझे लेने आ रहे हो, चल गले लगा। सुनना, उधर जाके बैठना, हम लोग बिजी है, जाना। हाय हाय पूजा। अरे हम दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, इतने जिगरी दोस्त है कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी इतने भी जिगरी दोस्त नहीं हम लोग, समझे ना, उधर जाके बैठ। अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार। अरे तुम बैठो ना। ए हाय, अरे हम लोग साथ में ही काम करते थे, मुझे इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला और मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अमेरिका चला गया। ये मेरे होने वाली पत्नी है। यस, अगर आपको एतराज ना हो तो हम लोग कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं, कोई और टेबल पे बैठना प्लीज प्लीज। अरे तो करना, वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्राइवेट जैसी चीज है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, वो गलत नहीं समझेगी और वो जानती है कि हम दोनों कितने जुगरी दोस्त हैं। जान मैं अभी ऑफिस में रिपोर्ट करके आती हूं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं ओके डार्लिंग ओके ओके बाय बाय बाय। ये खूबसूरत हवा की परी कहां से मिली? अरे ये सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही मिलती है, समझे ना, तू मेरा वो। मैं क्या हुआ? अरे ये तुम ये नीचे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना फ्लाइट टाइमिंग चेंज होने वाले हैं। अब उन्होंने मुझे अचानक बुला लिया, 3 घंटे पहले जाएगी मेरी फ्लाइट अब। ओह शिट। हाय, आई एम शान फ्रॉम अमेरिका। हाय, आई एम स्वीटी। ये मेरे होने वाली पत्नी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्या है ना कि मैक और मैं बचपन के दोस्त हैं और किसके दिल में कौन रहता है हम अच्छी तरह जानते हैं। आप एक काम कीजिए, बैठती क्यों नहीं? हाँ तू हटना, लेकिन हटना पहले प्लीज। इधर 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 डालिंग, इधर 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 बैठो। ओके इधर, आराम से आराम से। ओके, ये शाम तुम्हारा जिगरी दोस्त वही है ना जिसके लिए सुबह नाश्ता बनाया? हाँ नाश्ता, हाँ ये वो। अच्छा तुम वापस कब आओगी? पता नहीं, नई शेड्यूल नया टाइमिंग, अब तो आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बाय मैक, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। बड़ा नसीब वाला यार, बड़ा नसीब वाला। मैंने बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदलते हुए देखी, लेकिन इस तरह तू बहुत लकी है यार, तू बहुत लकी, सच बोल रहा हूँ मैं। मैक मैक मुझे जाना पड़ेगा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। ओ लव यू जान। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। ओके बाय। हे कहाँ जा रहा है? वाह क्या कमाल की सेटिंग की है तूने, लेकिन सुन ये सेटिंग और भी नमकीन हो सकती है। एक काम करते हैं, मेरा लगेज वहां पे पड़ा है, उसे उठाकर तेरे घर पे लेके चलते हैं। हाँ फिर 2-3 क्या 5-6 लड़कियों की सेटिंग साथ में करेंगे, दोनों भाई भाई। हाँ चल चल चल, हट हट भाग ऐसे, हट हाथ मत लगा चल। क्यों, वन कोल्ड कॉफी प्लीज। गेटिंग इट सर। साले कमीने, 400 बेसिक करके अवार्ड मिला, तब देखो मैं याद नहीं है, उसके बाद प्रमोशन मिला और तू अमेरिका गया अकेला, गया तू अंधा हो गया था तभी। मैं उसी वक्त डिसाइड कर लिया तो कहते मेरे दोस्त खत्म, समझे, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। एक्सक्यूज मी माय बिल, कॉफी सेपरेट। सुन सुन, अरे यार तेरी तो हूँ। Thank you.
बब्बन, हे तू कब आया? अरे वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि मैक कहाँ है। मैक? अरे बाबा उसकी तो जिंदगी बदल गई, वो तो बहुत ऊपर चला गया। बड़ा सा आलीशान फ्लैट, महंगा महंगा फर्नीचर, शैंपेन जैसी तीन तीन चिकनी चिकनी आइटम, रपा रप। अरे बाबा नसीब बदल गए उसके। साला तो मुझे उसे मिलवाना यार, तू मुझे उसे मिलवाता ही नहीं। अरे तू अभी तक मिला नहीं उससे? अरे मैं उसे कैसे मिलूं, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। अरे तू ऑफिस चला जा मिल ले। लेकिन इस हालत में ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? हाँ। अब भी अमेरिका से आया हूँ। हाँ। देख देख बब्बन, मैक मेरा जिगरी दोस्त है। हाँ, हाँ। भले आज मैं उसका सीनियर हूँ, लेकिन वो भी मेरा सीनियर हाँ, था ना। हाँ, हाँ। हाँ? देख अमेरिका से कितनी सारी चीजें लाया उसके हाँ। लिए। रात भर सोता नहीं हूँ, सोचता वो कैसा होगा कहाँ होगा। अरे कैसा होगा कहाँ होगा इसकी चिंता तू छोड़, वो जहाँ भी है जैसा भी एकदम मस्त है बाबा। देख बब्बन एक सेकंड, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है। झूठ? अरे अंग्रेजी शराब की तीन तीन बोतल आया हूँ। खाली बोटलीस क्या बाबा, दारू चाहिए बाबा, दारू खाली। हाँ। भरा हुआ है, ब्रांड न्यू पेटी पैक। अच्छा दिखा 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 दिखा। क्या है ना कि बहुत अंदर है, एक काम करते हैं मैके घर चलते हैं, वही सब कुछ दे देता हूँ। सच्ची? सच्ची, और खर्चा पानी भी। चल 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 ओके चल। बोल मैं कौन है? उकड़ा चावल कौन है? गली का कुत्ता अंकल मामो। ओ मेरा नाम है, इसका नाम क्या है? ये कौन है? अरे यही तो है अंकल मामो, इस घर की मास्टर की। हा? अच्छा तो आप हो अंकल मामो? अरे जैसे लिखा था वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं। वही नाक, वही गाल, वही आंख, वही बनियान, वही चड्डी। चड्डी मैं रोज बताता हूँ, ये कौन है? अंकल ये श्याम है, ये सब लोग इसे सैम कहते हैं, ये मैक का दोस्त है, अमेरिका से आया हुआ है। लेकिन तू ये बोरिया बिस्तर लेके क्यों आया? उसे तुम्हें नहीं बताया? किसने? अरे मेरे चड्डी दोस्त ने, कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। नहीं, 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 मेरा सोफा। वो भूल गया होगा सोफा, वो एयरपोर्ट पे भी आना भूल गया। एयरपोर्ट पे आना भूल गया? अरे मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैं सॉरी 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 अंकल क्या साला देख नहीं सकता? नहीं, नहीं देखा लेकिन धोखा हो गया। सच कहूँ तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सोचा इस घर में पैर तक नहीं रखूंगा। और अभी भी सामान खोला नहीं है, चला जा वापस। अगर मैं चला जाऊंगा भाई उसका पुराना नाटक शुरू हो जाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, घोड़े दौड़े का नाटक शुरू करेगा बुलकट साला। गलत, बोलने की गलती तो कभी नहीं करता। वैसे उसने कौन सा रूम बोला है? लेकिन तू तो उससे मिला ही नहीं ना। हाँ मैं तो उससे मिला ही नहीं। एक काम करना, एक अच्छा सा कमरा दे देना। अच्छा सा माने खरीदने का? शादी शुदा हो? नहीं अभी तक तो नहीं, ढूंढ रहा हूँ। तो करेला ऊपर से नीम चढ़े को रहा है। नहीं नहीं वाले, वो उसके काम करने का बेडरूम है, ये उसके काम नहीं करने का बेडरूम है, और वो बेडरूम में वो सिर्फ सोता है, ओनली रिलैक्स। इतने सारे कमरे, ये घर है के लॉज? उसके लिए तो इतने रूम भी कम है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारे लिए एक कमरा है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। नहीं वो ठीक है चलेगा, बड़ा है चलेगा, नो प्रॉब्लम। आ जाओ। चल तू जा। क्या खाली हाथ? मेरे ऊपर की जेब में जो भी है सब ले ले। खाली 2 रुपए? क्यों ज्यादा है? चलेगा रख ले। साले कंजूस मक्खी चूस ले, तू 2 रुपए रख और उसके बाद में अठन्नी मेरे पास से रख, ठीक है? साले तू तो कह रहा था अमेरिका से मेरे लिए कुछ लाया है। अरे रखा है तेरे लिए लेकिन अभी नहीं दूंगा, अच्छा वक्त देके दूंगा। अच्छा वो अच्छा वक्त नहीं आया तो मैं को सब कुछ बता दूंगा, उसी दिन से तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रख और सुन। चल चल। मैं बिगड़ी गाड़ियां संभाल सकता हूँ तो मैं अच्छी भली गाड़ी को बिगाड़ भी सकता हूँ। सुनो हाँ। नहीं मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकता, मुझे यहाँ काम है ऑफिस में, ठीक है? एक काम करो तुम सीधे घर जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। ओके आई लव यू बाय।
और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह संदिल नहीं हूँ। मैं किसी का उधार रखता नहीं, पूरा चुका देता हूँ। शट अप, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये मेरा घर है। ये मेरे जिगरी दोस्त का घर है। कौन दोस्त? मकरंद दीनदयाल चटपटिया। तुम मकरंद के दोस्त हो? हाँ। अब ये बताओ ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? मैं मैक की मंगेतर। अच्छा, तुम ही वो लड़की हो जो मैक से शादी करने वाली हो? किसी की मंगेतर होकर ऐसे गैर मर्द के साथ करते शर्म नहीं आती? मुझे लगा कि तुम मैक हो, लेकिन तुम्हें तो पता था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? किसी गैर औरत के साथ यू यू करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने सोचा कि तुम मैक हो। और जब भी चिल्ला रही थी तब भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ? मुझे लगा कि मैक हंस रहा है। अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो जाने दो जाने दो, दोनों से गलती हो गई, अब जानबूझ के करें क्या? जब दो गलतियां मिल जाती है तो एक चीज सही हो जाती है। जैसे एक कवि ने कहा था, कल की गलती आज की संस्कृति और कल का कानून। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं मैक हूं? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम मुझे माफ कर दोगी तो भी मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे भूल सकता हूं? मैं एक अमीर रईसदार और कुंवारा लड़का हूं, फिर भी आज तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो आई लव यू। मेरी मंगनी हो चुकी है, समझे? अरे अरे, मेरे दिल की आवाज के तो मैं तो सिर्फ उसे इतना ही बता रहा था कि मैक उसे कितना प्यार करता है। आई लव यू तुम बोलो, उससे ये पता चलेगा कि मैक उससे कितना प्यार करता है। करेक्ट करेक्ट। मैं तो सिर्फ यही बता रहा था कि मैक ने जो मेरे को बताया कि मैं उसे इस तरह बताऊं कि मैक उसे इतना प्यार करता है। बस बस, मेहनत मत करो, मेहनत मत करो। अंकल मामो, मैं किसी का अंकल नहीं। गधा है क्या का? जो आपको अंकल बोले वो गधा है। आपकी क्या स्टाइल है, क्या पर्सनालिटी, आपकी उम्र क्या होगी? 35-30? उसे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बैंक हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे निकाल दो तो उतनी हो जाती है। वाह, आप तो कितने जवान हैं। अच्छा, जो भी आपने देखा सुना वो मैक को बताने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैक क्या, मैं तो यहाँ पे जो देखता हूँ सुनता हूँ अपने आप को भी नहीं बताता। सो रिलैक्स। थैंक यू अंकल। गधा है, गधा है, अंकल बोला गधा है। डंकी। ए, घुसपैठी है। अरे आ गया मेरे यार, कहाँ था तू अब तक? और कितना इंतजार करवाएगा मुझे? पागल तो नहीं तू? हटा, बता ना प्लीज। क्या बताऊं तुम? अरे हटा तू। देखा देखा इसका स्टाइल, देखा वो मुझे कितना प्यार करता है। कौन सा प्यार, कौन सा प्यार? और तूने ऐसा क्या काम किया जो मैं तुझसे प्यार करूं? हाँ, अंकल से क्या छुपा रहा, वो तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं जानता तो मैं भी हूं, तू क्या चीज है समझे ना, मैं तुझसे नफरत कर। हाथ हटा, हाथ हटा, निकल जा घर से, निकल निकल मेरे घर से, चल बाहर जा। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन यहाँ तेरे लिए चाहत बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन चाहत नहीं खुजली बढ़ रही है, समझे? यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे, यही तो प्यार है। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, तेरे दांत तोड़ दूँ। ए, ये क्या रे? गाल है? नहीं, ये गाल पे क्या? खून है। ये खून कहाँ से है? सुबह मैंने दाढ़ी बनाया, जैसे ही कट गया वो खून निकल आया। सुबह दाढ़ी बना रहा था और अभी तेरी दाढ़ी वापस आ गई? क्या शेविंग क्रीम लगाया, चवनप्राश? कहां से है, क्या ये? जैसे ही कट गया मैंने दाढ़ी बनाना बंद कर दिया। तो तेरे खून से ये खुशबू क्यों आ रही है बे? बब्बा, कुछ अच्छे लोगों के खून से खुशबू आती है। चल चल, नाटक मत दिखा, चल बा। फोन कहां से बजा रहे? ए, फोन, ए, दिप्ति, दिप्ति आई क्या? फोन किधर है, फोन किधर रखा? हेलो हेलो, उठाने के बाद भी। हेलो हेलो हेलो, मैं अंजलि। कौन अंजलि? क्या अंजलि, अंजलि क्या हाल है? तुम तो मुझे भूल ही गए ना। अरे कौन कमबख्त भूल गया तुम्हें? तो बोलो
आज का दिन क्या है? आज का दिन संडे तेरे को पूछा क्या कमीने? संडे आज संडे वो तो मुझे ही पता है, लेकिन आज के दिन में खास क्या है? आज के दिन क्या खास है? आज गांधी जयंती है ना? गांधी जयंती नहीं, आज मेरा बर्थडे है और तुम वो भी भूल गए, तुम्हें कभी याद नहीं रहता है मैक। जाना रो क्यों रही हो, मुझे मालूम है। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों नहीं आए? वो तो मैं क्या जाना, थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं आ नहीं सका। तुम तो समझ सकती हो ना, मैं एयरपोर्ट चला गया था। एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट क्यों गए थे? आज तो संडे है ना? अब हाँ, आज संडे है और आज तुम्हारा बर्थडे भी है और सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ ड्यूटी फ्री शॉप एयरपोर्ट पे ओपन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गया था वहाँ एक गिफ्ट लाने, सस्ता मजबूत टिकाऊ। और नहीं, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज। किससे बातें कर रहे थे? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? एनीवे, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हमारे फ्लाइट के टाइम्स चेंज होने वाले हैं। कब से? अरे तुम्हारी आवाज तो बैठ गई थी। हाँ, अभी खड़ी हो गई है, लेकिन कब से? कल से 7:30 बजे लैंड होगी। मतलब 3 घंटे तो पहले आ जाओगी? मेरा मतलब 3 घंटे में ज्यादा मिलेगी तो। एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारे एयरलाइंस के टाइमिंग चेंज हो रहे हैं या सबके एयरलाइंस के? सबके टाइमिंग चेंज होने वाले हैं। थैंक गॉड, बच गया। बच गया? किस बात के लिए? क्या तुमने कहा बच गया? मैंने कब कहा बच गया? अभी तो तुमने कहा बच गया। नहीं जाना, मैंने नहीं कहा बच गया। तुमने कहा। अरे मैं क्यों कहूंगा बच गया? तुमने कहा, मैंने भी सुना। देखा? अरे पागल हो गया, तेरी कसम, मत, मैंने नहीं कहा बच गया। ये तो कुछ भी बोलता है, तो पागल है, इसका दिमाग खराब है। मैंने कब कहा बच गया? तेरी शक्ल अच्छी नहीं होती, बोलती तो अच्छी, मार दूंगा यहाँ से निकलना। पागल ये स्वीटी कौन है? स्वीटी कौन? स्वीटी कहाँ की स्वीटी, कैसी स्वीटी? स्वीटी नायक, ये खत यहाँ उसी के लिए आया है। मैं जानना चाहती हूँ कौन है ये? क्या का एड्रेस है? स्वीटी नायक? हाँ, यही का एड्रेस है। अरे यार, तुम्हारा नाम तो स्वीटी नायक नहीं, तो एक अनजान लड़की का खत इस घर में कैसे? यहाँ देखो, क्या ये इसी घर का एड्रेस है? स्वीटी नायक, 1300 फ्लैट नंबर 1, बेला विस्ता, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। अरे मैं आपको इसके बारे में बताना ही भूल गया, ये स्वीटी नायक कौन? वही आज जो स्वीटी नायक फिर से इसका खत यहाँ पे आ गया, वो नीचे ही रहता है अपना, उसकी जो बहन है ना उर्मिला की छोटी बहन कोकिला, उसका बेटा है बकुल का जो चाचा है राहुल की, जो शादी हुई थी जिसके साथ रसीला के साथ, तो उसकी जो जो, जो बहू है उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी है। तो हुआ क्या कि पोस्टमैन आया, उसने बोला मैं नीचे घंटी बजा रहा हूँ और कोई दरवाजा खोलता नहीं है। मैंने बोला एक काम कर, तू पानी पी, और उसने बोला कि तुम ये लेटर दे देना। मैंने बोला ठीक है, मैं ये लेटर उसको दे दूंगा। तो ये उसकी बेटी है, ये स्वीटी। आज है ही मन उस दिन, कितनी शर्म की बात है कि मेरी खुद की मंगेतर मुझ पे शक कर रही है। स्वीटी नायर, जानती हो स्वीटी नायर कौन है? 12 साल की लड़की है ये, पट पे खिलाया मैंने उसको अपने, शी इज 12 इयर्स ओल्ड। आई एम सो सॉरी। सॉरी जानू, डोंट डू इट अगेन, डोंट डू इट अगेन। आई एम सो हैप्पी वी आर बैक, सो हैप्पी। तेरे सब खराब कर दिया। क्या इरादा रे? अगर तू मुसलमान होता तो मैं समझ सकता है कि तू 4-4 बीवियां रख सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए किस कानून ने ये सुविधा दे दी? बीवी नहीं, मंगेतर। तूने मंगेतर नाम की चीज सुनी है? मंगेतर एक ऐसी सुविधा है जिससे वो हर सुख मिलता है जो हमें बीवी से मिलता है, लेकिन बीवी से जो दुख मिलता है वो बेटा हमें मंगेतर से जरा सा भी नहीं मिलता। औरतों को बड़े ध्यान से और संभाल के रखो तो उनसे बड़ा नशा और कोई नहीं है। लेकिन तू यहां क्या कर रहा है? तेरे को मैंने जाने को बोला ना, तू मुफ्त की दारू पीते जा रहा है। चल निकल यहां से, चल। तू 3-3 लड़कियां कैसे संभालेगा?
ऐसी परेशानी में मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ दोस्त। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझे ना, ये काम मैं बचपन से करते आया हूँ। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तू हाथ हटा, हाथ हटा। जिसको तू चिंता बोल रहा है ना, वो चिंता नहीं जलसी है, समझे, जलन बोलते उसको। चल निकल यहाँ से, निकल तू। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? वहीं जा, जहाँ से तूने मेरे को निकाला था वहीं जा तू। लेकिन वहाँ बाथरूम में नल नहीं है, आधी छत टूटी हुई है, पाइप नहीं है, रिपेयरिंग चल रही है। जैसे रिपेयरिंग हो जाता है मैं वहां चला जाऊंगा, पक्का। प्लीज पक्का, पक्का। क्या हुआ? मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्त कि तू मुझे भार वाला मानता है, लेकिन देख दोस्त, मेरे जैसा यार तुझे कभी नहीं मिलेगा। इसी बात पे हाथ मिला दे। Come here, baby. मुश्किल है कितना मुश्किल मन पे काबू कर पाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना। मुश्किल है कितना मुश्किल मन पे काबू कर पाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना। तेरी रंगत गरम मसाला, रंग तेरा गरम मसाला, तेरी चाहत गरम मसाला, अंग तेरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किसने दे किसने दे होंठ तेरे मैं को प्याला, किसने दे किसने दे तू है मेरा गरम मसाला। ये तेरी शोखदाएं, ये तेरी मस्त जवानी, एक दिन तू बन जाएगी मेरे सपनों की रानी। हाँ ये तेरी शोखदाएं, ये तेरी मस्त जवानी, एक दिन तू बन जाएगी मेरे सपनों की रानी। इश्क तेरा गरम मसाला, हुस्न तेरा गरम मसाला, तेरा जलवा गरम मसाला, जिस्म तेरा मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किसने दे किसने दे होंठ तेरे मैं कब्याला, किसने दे किसने दे तू है मेरा गरम मसाला। तेरी आंखें गरम मसाला, तेरी बातें गरम मसाला, रूप तेरा गरम मसाला, उफ ये नखरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किसने दे किसने दे होंठ तेरे मैं कब्याला, किसने दे किसने दे। सबके सब नकली हैं, जो बात देसी में ना वो विदेशी में नहीं है। खैर तू छोड़, मतलब की बात कर। बबन
एक बात बोलूं? हाँ। मुसीबत में जो काम आता है वही सच्चा दोस्त है। अरे यार, तू हाथ से कान पकड़ने के बजाय कान से हाथ क्यों पकड़ रहा है? बकवास बंद कर, मतलब की बात कर। सोच, अगर मैक की जगह मैं उस घर में रह रहा हूँ। हे, ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसा सोचना है यार। चल सोच लिया। और उन लड़कियों के साथ मैं रह रहा हूँ। क्या? अरे सोच तो सही ना। चल सोच लिया आगे। अब ये सोच, मैक जो तुझे पैसे देता है उससे ज्यादा पैसे मैं तुझे देता हूं। अरे यार, जो बात सोचने की नहीं उसको सोचने के लिए क्यों कह रहा है? खाली सोचना यार। खाली सोचना है ना, चल सोच लिया। जो तू उसके लिए कर रहा है क्या तू मेरे लिए करेगा? अच्छा रे यार, तो तू उसकी सेटिंग तोड़ना चाहता है ना? नहीं 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 नहीं, क्या है ना कि अगर उसका ट्रांसफर हो गया और वो बेचारा कहीं और रहने लगा तो इतनी मुश्किल से जो लेडीज बैंड उसने बनाया ना, उसका तो उसको तो बजाना पड़ेगा ना। अरे यार, तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। सुन, अगर मुझे रोजाना दारू मिलती रही तो तुझे मेरी तरफ से फिक्र करने कोई जरूरत नहीं है। पक्का? पक्का। ये ले। एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले तू ये बता कि उसको इतना आलिशान फ्लैट दिया किसने? मुझे पैसों की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैक की ट्रांसफर यहां से बहुत दूर हो जाए, हो सके तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। इस काम के लिए मैं किससे बात करूं? देखो, मुझे खुद की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इस कंपनी के बॉस से भी ज्यादा मेरी बात में बहुत दम है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ। बाकी तुम सोच लो। वो तो आपके चेहरे से ही पता चलता है कि ऐसे आधे टेढ़े काम के लिए आप एकदम फिट हो। पैसे की चिंता छोड़ो, काम हो जाना चाहिए। तुम काम छोड़ो। हाँ। पैसे की चिंता करो। हो जाएगा। पक्का? पक्का पक्का पक्का। ओके। हेलो मैगी, कनेक्ट मी टू मैक। ये दुश्मन एडवांस दे रहा है ताकि तेरा भांडा फूट जाए, और तू जो ये एक दिन में तीन तीन वनडे खेल रहा है ना, उसका कैप्टन वो बन जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं नजर रखूंगा। मेरी जेब पे भी नजर रखना, ये सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, समझा? कमाल है सर, पैसों का नाम सुनते ही लोग फोन काट देते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्कॉच है। नहीं, नहीं। दवाई समझकर पी लो। मेडिसिन, यस मेडिसिन। सोडा भी। गुड। अच्छा मैम्बो, ये बताओ तुम कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे? 4 बजे एट 4। 4 बजे? अब तुम कब के उठे हो? तुम्हें थोड़ी बहुत आराम की जरूरत नहीं है? कैसे करेंगे, काम करने का पैसा मिलता ना, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे पिताजी आर्मी में थे तो आर्मी का डिसिप्लिन है मेरे पास। इस उम्र में भी वो तुमसे गधे की तरह काम करवा रहा है और इन सब चीजों के लिए क्या पगार देता है? हाँ तबूरा। बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता, बच्चों के खेल की तरह देखता हूँ। यही तुम मार खाते हो। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तुम्हें ज्यादा पगार देता, ज्यादा इज्जत। तेरी तो मैं अमेरिका से क्या मेरी वॉच लगाने आया? तेरे तो मैं शरीर के टुकड़े करके इस पंखे में लटका दूंगा, पास करूंगा। साले उल्टे घुसे, तू भी मत चल आज। चल लोग, चला मत। आज तक तू गया शाम, मुझे निकल के खुद रहना चाहता है यार। मैं क्या करूं तू यार, लगा लगा मेरी मंदिर तेरे के साथ सेटिंग करना चाहता है। आवाज के पुजारी की सेटिंग करता है। सारा सामान उठा, सफा यहां से चल। पीछे से लात मार। सोच ले। सोच लिया, चल। ये तेरा आखिरी फैसला है? आखिरी का आखिरी फैसला है, निकल। गुड बाय। क्या नाम है उसका? भड़काऊं कर।
शायद उसके पास भी एक ऐसा घर हो। क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या उसका एड्रेस? बंगलो नंबर 3 और ट्यूलिप सिटाडेल ग्रॉबी रोड। हाँ क्या बोला? क्या बोला? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे भी एक घर चाहिए ना रहने को। और उसका नाम क्या है? पड़गांवकर। हाँ पड़गांवकर। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक घर अगर मिल जाए ना तो चल सामान नीचे रख। तू लावारिस है हाँ? आपस में जब झगड़ा होता है तो क्या बाहर जाके लोगों को बताने का? नहीं हा? मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है। तेरा क्या बिजनेस पार्टनर है क्या तू? कैसी बातें करता? छोड़। मेरी माँ ने कहा एक बार कदम आगे बढ़ाया तो बढ़ते रहना। लेकिन आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे ले उसे सच्ची दोस्ती कहते हैं, ये मेरे पिताजी कहते थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ज्यादा वक्त एक साथ गुजारेंगे तो एक दूसरे को मार डालेंगे। अरे कौन मारेगा यार, मैं कभी तेरे को मारूंगा? अरे तू मेरे को मार सकता है, मार मार। देख मैंने कुछ बोला किसी को? एक बात याद रखना, सच्चा दोस्त तुझे और कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में। पक्का? पक्का। चल हाथ मिला। इस खुशी के मौके पे मेरे पास लेवल नहीं है। उधर है, मैंने देखा है, नीचे पड़ी है उधर। साले कमीने, तो बड़ा ताड़ू है तू। अरे अभी तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग का झगड़ा खत्म हो गया ना भाई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जा रहा हूँ। अभी मैंने ऐसे क्या बोला? अरे अरे आप तो मेरे बाप की तरह है ना। बाप? तू अपने बाप को साला बोलता है, घुसड़ बोलता है, हाँ खड़ूस बोलता है अपने बाप को तू? इस घर का मुखिया कौन? आगे आके बताओ। इस घर करे और साला कौन है घर में? घर में साला कौन है? साला का मतलब क्या होता है? क्या होता है साला का मतलब? होता है बीवी का भाई। बीवी का भाई मतलब घर का सदस्य, मतलब आप हमारे घर के सदस्य हुए, हम आपसे प्यार करते हैं और आप समझे कि हम आपको गाली दे रहे। कितना गलत समझ रहे। अभी अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे को ऐसे ऐसे मारा, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं। अरे आप दोस्ती व्यारी में तो ऐसे चलते रहते। एक काम कर, अंकल के लिए लेबल बना। पास पास पास। मुझे नहीं पीना है। अरे कैसे नहीं पीना यार, आपको पीना पड़ेगा। तू जा रहा यार, मैं बनाता हूं उसको। मुझे दिल सवंदर दिल मेरा दिल
या एक मिनट, तेरी बात लग गई। क्या हुआ? तेरी मंगेतर एक मुच्छण के साथ आ रही, वो तेरा रिश्तेदार जैसा दिख रहा है। सड़ी शक्ल उसकी, चूसा हुआ आम लगता है। वो यार मेरा मामा है वो। क्या हुआ मैक? पूजा फटाफट ढके हुए कपड़े पहन लो, मेरा मामा आ रहा है, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरे पिताजी समान है, और सुनो वो तुम्हें देखने आ रहा है, ठीक है? जल्दी तैयार हो जाओ। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुना करो, हमेशा जल्दी में रहती हो, साथ में एक लड़की भी है, तो मेरी बहन जैसी है, तो तुम उसको गलत मत समझना, ठीक है? मैं क्यों गलत समझूंगी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ जाओ फटाफट, चल भाई चल, जल्दी नमस्ते माऊ जी, मेरी बहन माऊ जी, मुझे बताया था मैं आ जाता लेने, कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टा जवाब देते हैं। मामा जी इधर, मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम, श्याम ये मेरे मामा जी, नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बबन, बबन ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर गाड़ी का खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। जी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी, अंदर आइए ना प्लीज। चल आइए ना मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठिए ना, ये लाल शर्ट वाला लंबे बाल वाला, इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया, और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो तो उल्टे जवाब देता। पिछली बार उन्होंने जोक मारा तो मुझे खून की उल्टी हो गई थी। मामा जी अब जाओ। अच्छा ऐसा मैंने क्या पूछा जो हे इतना हंस रहे हो तुम लोग? अब सच में पूछ रहे हैं? हाँ मामा जी, आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और आप जानते मैं यहां क्यों? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है, जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पर डाई मार देती है, ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। मगर इसको देख के लगता नहीं कोई खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया? हाँ तो मैं काम करो, तुम चाय बनाओ। और सुनो तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला? ये मेरे मामा है। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है तो मैं सब इंतजाम करता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो, क्यों ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते वैसा ही हो। तो भाई बात पक्की, तो एक काम करिए आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा तुम खुश हो ना? जी ठीक है तो मैं चलता हूं। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम मामू चाय पियेंगे, मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे, सिर्फ शैंपेन पीने। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ो छोड़ो मामू, चलिए मामू बाबा बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। मामू पहले बहना, मामू जी तू क्या कर रहा है? ओह मैक डार्लिंग, आइए आइए आइए, हटो हटो, आइए 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 सर, आइए मैं आपको अपनी कंपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ सर। टैक्सी में जाऊंगा मैं। सर वहां टैक्सी मत जाइए, वहां ट्रैफिक मिलेगा आपको। सर सर मुझे मत सिखा, मैं आना जानता हूँ तो जाना भी जानता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। सर, मुझे तो मदद की जरूरत है। अरे नहीं चाहिए। अरे मुझे तो चाहिए। बोल लिया ना। सोच लीजिए सर, मुझे तो चाहिए सर। क्यों खोपड़ी खा रहा भूतनी के? बैठ जाओ बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, घर पे कोई नहीं। नो प्रॉब्लम। अरे तुम जाओगी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। क्यों? अरे नहीं नहीं घर पे ताला लटका हुआ है, समझो बात को। मेरे पास चाबी है। चली गए कूल्हे मटकाते हुए। अरे सुनो सुनो सुनो, ए सुनो तो मेरी बात तो सुनो। दूसरा ताला लटका हुआ है, दूसरा ताला लटका हुआ है। समझ में कुछ नहीं यार, फिर भी ना। बाय। चाबी तुम्हारे पास नहीं तो ताला कैसे खोलोगी? और अंदर कोई है ही नहीं तो ऊपर जाके क्या करोगी? बाबा वापस कब आओगी? What? ये मरने जा रही है।
आत्महत्या करने जा रही है, वापस नहीं आएगी, तेरे को क्या लेना देना। दिस गाय इज सच ए पाइलॉन। ए सुनो 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 मेरी बात तो सुनो यार। शट अप। ऊपर क्यों नहीं खड़े हो जाता हमारे, चलो सीढ़ियों से चलते चलो। पाइलॉन आज तो बकरा का क्या हुआ? क्या हुआ? देखा? मैंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्या देखना है बेटा? क्या वो 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 गाड़ी निकाल ले तो मैं तुझे देख लूंगा। चल बेटा चल 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 चल। हे हेलो हाय, आज तुम छुट्टी पर हो क्या? हाँ छुट्टी पर ही हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, मेरी फ्लाइट टाइमिंग्स में चेंजेस हो गए हैं, अब मैं जल्दी घर आ सकती हूँ। हाँ हाँ, इससे दूसरे को तो मुसीबत हो गई ना। वो कैसे? इससे हमारे टाइमिंग्स भी बदल गए ना। कौन से टाइमिंग्स? ये पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हुआ है और ये उन्हें अच्छा लगता है। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मेरे एक दोस्त को। क्यों? पुराने टाइमिंग्स उसके लिए बिल्कुल सही थे। अब एयरलाइंस वाले हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते ना। आह क्या हुआ? आह मम्मा क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ, पहले भी हुआ था जब मैं फ्लाइट से उतर रही थी। अगर जरूरत है तो मैं। क्या? नहीं नहीं जाने दो जाने दो। सैम बोलो ना। तुम गलत तो नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं? क्या तुम गलत समझोगी? नहीं समझूंगी। सच? हाँ। मेरे पापा टांग खींचने में बड़े उस्ताद थे। क्या वो गुंडे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो चंपी मालिश वाले थे, टांग को खींचकर दर्द को दूर भगा देते थे। अब वो जादू मेरी उंगलियों में भी है, कहे तो कर दू मालिश? कुछ भी करो साहब, ये दर्द दूर कर दो। तुम अंदर जाके कपड़े बदल के ले जाओ, मैं अभी तेल लेके आता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? कहो तो उठा लू। गया। क्या गया? दर्द गया। दर्द गया? इम्पॉसिबल। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। दर्द इतना आसानी से कैसे चला गया? गया। थैंक गॉड। इसीलिए मुझे ये कमर दर्द पसंद नहीं है। मैक, दीप्ति। कौन दीप्ति? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट वाली? एक्सक्यूज मी। हाँ, एक काम करो तुम, वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय बाय। सर सर गेट इधर। ओफो मेरी याददाश्त। सिंगापुर फ्लाइट आ गई है, सिंगापुर फ्लाइट आ गई है। अल्लाह इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स। सिंगापुर वाली आ रही है कि बैंकॉक वाली टेक ऑफ हो रही, पूरा एयरपोर्ट ही हटा देता हूँ। समझाने कोई किसकी समझ नहीं आती बात। देखो वो अभी भी इसी जगह खड़ा है। सैम तुम कब आए? मैं तो कब से यही पर हूँ। बहुत भूख लगी है, मैं देखती हूँ खाने में क्या है। गड़बड़ है यार, क्या क्या कर रहे हैं यार, और कोई काम धंधा नहीं क्या? मैक मैंने कितनी बार कहा इस घर में मटन नहीं लाना। मटन? मीट माय फ्रेंड सैम। इसे तो मैं जानती हूँ, फिर से क्यों मिलवा रहे हो? क्योंकि यही मांसाहारी है, यही मटन खाता है, मैं थक गया हूँ इसको बोल बोल के। तू मटन क्यों खाता है? मैं ठीक है फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी बात तो पूरे घर में फैल चुकी है, अब मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगी। तो कोई बात नहीं जनरल, घर चलिए खाना खाते। वेरी गुड आइडिया, खाना खाने के लिए बाहर ही जाना, खास करके ऐसे खतरनाक हालात में। खतरनाक? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था कि मटन की बास आ रही है ना यहाँ पर, एंड इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए बहुत खराब है, और नाक का कैंसर भी हो सकता है। सच्ची सच्ची बुच्ची बुच्ची कुच्ची, मेरी कसम उसकी कसम तेरी माँ की कसम मेरी बाप की कसम। तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेकिन जो सारे जोक सुना रहे ना, ये मैंने इसको सुना है। लेकिन कौन सा जोक कब बोलना, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो 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 चलो, तुम्हें पता नहीं टेबल मिलना इतना मुश्किल है, चलो कम। तो ठीक है, मैं शर्ट बदल देता हूँ, इसमें वैसे ही बू आ रही है। सुन, तू पहले खाना खाने जाना, कपड़े बाद में बदलना। तू मैं समझे ना, अभी तू जाने से तुझे पता नहीं अंदर। तू मेरे को मत समझा, समझे ना, मेरे को मालूम है मेरी बात। मैं कपड़े बदल रहा, तू अंदर आएगा क्या? ओह, फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या है? क्या ये लेडीज बैग किसका है? मेरा है। तुम्हारा? वो क्या है ना कि मेरी पसंद कुछ अलग तरह की है, इसमें मोबाइल, वॉच, शेविंग क्रीम, ब्लश, ब्रश सब कुछ है। तुम तैयार नहीं हो रही हो क्या? किस लिए? डिनर के लिए। मैं सोच रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इतनी खूबसूरत शाम है, मैक के साथ डिनर पे जाना तुम्हें पसंद नहीं? मैं बाहर का खाना खा के तंग आ चुकी हूँ। तुम यहाँ कैसे खा सकती हो? क्यों? अब मेरा मतलब मैं होटल की बात कर रहा हूँ, एक अच्छी होटल में, चाय पानी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक अच्छे से होटल में जाना, वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी में खाना खाना, मधुर संगीत सुनना, कितना प्यारा है। अब तो तुम जाओगी ना? नहीं, मैं यही खाऊंगी। खाएगी तेरी माँ। मेरा मतलब है कि इस गंदे माहौल में तुम कैसे खा सकती हो? तुम्हें बाहर जाना होगा। अगर दीप्ति नहीं जाना चाहती है तो उसको फोर्स मत करो, इस घर में वही होगा जो दीप्ति चाहती है। अगर वो रेस्टोरेंट में जाना चाहती है तो जाएंगे, नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगे। एक दोस्त की मंगेतर के हाथ कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें मालूम नहीं? शर्म नहीं आती? तुम लोगों को होटल जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा, क्या उखड़ लेगा? दोस्त की कीमत तो तुझे बात नहीं पता। अरे जानता हूँ तेरी कीमत दो कौड़ी के। तू चाहे जो भी बोल, लेकिन तू इस घर में खाना नहीं खाएगा, तू बाहर जाएगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। जाओ, सब लोग यही पर खा रहे हैं। हाँ, हम तीनों यही ठूसेंगे। मतलब तुम तीन, सब लोग नहीं। सबसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो सिर्फ तीन हैं यहाँ पर। अबे क्या है, तुम मारता क्यों मुझे? देखो, बाद में मुझे कोई अलग अलग खाना बनाने को बोलेगा ना तो नहीं होगा। एक मिनट, आज वही खाना बनेगा जो दीप्ति जी चाहेंगी। चीज खाएगी तू? जी हाँ। बाद में मुझे किसी ने कुछ और बनाने को बोला तो? अरे और कौन है यहाँ? उसे मालूम है। तो मुझे क्यों नहीं मालूम? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी मुझमें और ताकत नहीं है, मैं जो खाना बना के चला जाता हूँ, मेरे को ये छोड़ के। वो कुछ कहना चाहते थे? मैं बताता हूँ, वो हम सबके लिए खाना नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ नहीं खा सकते, बाहर जाओ। छोड़ो, हम बाहर ही चल के खाते हैं। हाँ, बाहर चल के ही खा लेते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नहीं, इधर ही, उस कमरे में। क्यों? वो रूम ज्यादा अच्छा है। शाम, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तो मैं कसम से। मैं भी वही कह रहा हूँ, बाहर दीप्ति, अंदर दीप्ति। क्या? मेरे अंदर भी एक और दीप्ति है। जाना डार्लिंग, शांत हो जाओ तुम, मेरा तो दिमाग खाली हो गया। मैं, तू कह रहा क्या? क्या हुआ? छी, तू अभी तक नहीं समझा क्या? मैं सब समझ गया। छोड़ो से, छोड़ो, क्या हो रहा है? अरे उतना ही नहीं, रसीद बांध कर मेरी छह चड्डियां लटकी हुई है, उनमें से दो में छेद है। मैं नहीं देखूंगी। मुझे भरोसा नहीं, तुमने देख लिया तो? चट्टी पर लाल किले बने हुए हैं। मैं छोड़ो, मैं, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं दूसरी कमरे में चली जाती हूँ। ओके? अरे अब तो सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये तो शुक्र के मुझे जेल जाने डर लगता है, तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। अरे मैं बता रहा था कि तू क्या बता रहा था? क्या हो रहा है? सही मोमेंट पे मेन स्विच ऑफ किया, मैं बच गया। मैं इसको बता रहा था कि ऑफिस में मेन स्विच निकाल दिया उन्होंने और मुझे झटका लगते लगते मैं बच गया। तुम कब आई? अभी अभी आई, यही मैं सोच रही थी यहाँ क्या हो रहा है। अब तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। गुड बाय। कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ और दिन जीना है, आजकल दिल का दौरा उम्र देखकर नहीं आता, कभी भी बढ़ सकता है। क्या हो रहा है ये? देखो ना, ये जा रहा है हमको छोड़ के, इसको कहो ना रुकने के लिए। क्यों जा रहे हो? अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी आने वाली थी, अब मुझे ऑफिस जाके सारा काम खुद करना पड़ेगा। मुझे अकेली छोड़कर। मैं हूं ना।
जल्दी आऊंगा, फिर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद चीज पकौड़ा रेडी है। चीज पकौड़ा किसके लिए? चीज पकौड़ा, चीज पकौड़ा ये शाम के लिए मिल ले। ये चार चार बार चीज खाता है, सुबह रात दिन शाम जब देखो चीज ही खाता रहता है। अबे मगरमच्छ की औलाद भैंस हो जाएगा। कोई ताजुब नहीं, इसलिए दिखता भी पकौड़े जैसा है। ठीक है फेंक दो, आज से जो स्वीटी चाहती है वो ही बनेगा। फेंक दो तुम्हें पता है मुझे पकौड़े पसंद नहीं है। सारे बर्तन धो डालो और सबके लिए कड़ी चावल बनाओ। गॉड, मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ। हाँ डार्लिंग, तुम अपनी सेहत बनाओ, मैं जाके ऑफिस संभालता हूँ, ठीक है? और सुनो, रात का खाना साथ में खाएंगे। छोड़ो भी। क्या रे, तू बता नहीं सकता स्वीटी आई हुई है? तू सुनता तब ना। क्या हुआ, तुम दोनों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, अब तो शांति शांति है। चलो बाहर जाके खाना खाते। अरे तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? अरे तुमने तो कहा था होटल में खाना खाएंगे, चलो। अरे मैंने तो सिर्फ तुम दोनों का झगड़ा रुकवाने के लिए कहा था। चलो ना जाने पे खाएंगे, प्लीज। अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो बाहर जाके खाना खाएंगे। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। वही करेंगे, हम तो वही चाहते हैं। कड़ी चावल तैयार है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कड़ी चावल बनाने के लिए किसने कहा? डार्लिंग, हमारा प्लान क्या था कि हम होटल जाके कड़ी चावल बनाने को, इसने कहा, इसने चार चार बार खाता ये कड़ी चावल। अबे गेंडा हो जाएगा, पागल मोटा हो जाएगा, कितना खाएगा? मैं बोलू ना इसके। लेकिन मैं सिर्फ चीज पकौड़ा खाऊंगी। तो फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? किसने फेंक दिया? इसलिए, इसकी वजह से, इसने कहा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो। नया सूट पहना है और टेबल भी बुक है, तो चलते हैं ना खाने खाने। प्लीज प्लीज, बोलने में क्या जाता है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ओके, हटो। क्या हुआ? गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी होगी। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुम अभी तक यहाँ भी खड़े हो? मैं अंदर नहीं जाने वाली। इडियट, स्टूपिड। तुम थोड़ा जल्दी नहीं चल सकते? पहन क्या हो तो है? ये लो, थोड़ी कड़वी है लेकिन तुम्हारी गैस जल्दी चली जाएगी। थैंक यू। मैं हाँ के आती हूँ। क्या कर रहे हैं? सिनेमा चल रहा है इधर, चलो अपना काम करो। मुजरा चल रहा है, सिनेमा नहीं है। क्या हुआ, दवाई क्यों ले रहे हो? ये इसके लिए, इसके पेट में गैस है। चल बैठ। नहीं नहीं, पी ले। अब इसका सारा गैस निकल जाएगा। मेरी ड्रेस कैसी है? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सेक्सी यू लुकिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम जाके लिफ्ट बुलाओ, मैं जरा इससे बात कर लूं, प्लीज। अरे तुम दोनों कब से बातें कर रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज। अच्छा चलो, मैं लिफ्ट बुलाती हूं और एक मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। बाय बाय। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। मालूम है, फर्स्ट प्राइज जीता था मैंने इस गाने के लिए। अरे तुम गाते भी हो? हाँ, तुम्हें गाना सुनना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। ठीक है, हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक हो और साथ में डिनर करेंगे, क्या बोलती तू? मैक वापस आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाला है। ऐसा बेदिल आदमी मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। जिसकी मंगेतर इतनी खूबसूरत हो, वो मामूली काम के लिए ऑफिस कैसे जा सकता है? अगर मैं उसके जगह होता और ऑफिस में आग भी लग जाती तो तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, पर मैं कर रहा हूँ। अब
मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेके जाऊं। तुम कितनी अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हो। तुम आओगी ना? जिसका इतना बड़ा दिल हो उसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ। थैंक यू। अभी आती हूँ तैयार होकर। ओके बाय। अरे बाप रे, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लिए सब बच्चों का खेल है। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतने बड़े हो गए। इससे पहले कि ये खेल खतरनाक हो जाए मैं जा। हटो हटो वो। तक मैं वापस आया है, तुम रुक जाओ। मैं वापस आएगा तो उसको बोला कि मैं गया। हटो हटो। हाय हाय, तुम ये क्या कर रही हो? हेलो, मैं तो यही रहती हूँ, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? चलो रास्ता छोड़ो, हटो। देखो हटो। जहाज डूबे, प्लीज छोड़ कर मत जाओ। जहाज डूबे या टूटे मुझे उससे क्या, चलो मैं जा रहा हूँ, छोड़ो। अगर ये जाता है तो इसे जाने दो, ऐसे भी इसे यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। तू कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? बिल्कुल सही। तू कौन होती है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? वहां चलो ना जहां पे तेरा हुक्म चलता है। अब देखता हूँ मुझे कौन निकालता है यहाँ से, देखता हूँ। साला हवाई जहाज में क्या बैठ गई, टाइम टाइम करती रहती घर में घुस के। मैक कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो उसे कहा था कि मेरी फ्लाइट की टाइमिंग चेंज हो गई है, जरूर भूल गया होगा। नहीं 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 नहीं, उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कभी ऐसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी भी दिल का कमरा किसी के लिए खुला है। यहाँ पे कुछ खाने को है? कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। क्या खाने में कुछ मिलेगा? हाथी का अंडा है, उबाल के दूं? अरे मालने दो, इसका दिमाग ठिकाना नहीं है। एक काम करते हैं, कहीं बाहर जाकर साथ में खाना खा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। कम से कम इस बुड्ढे का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। इधर नहीं, उधर, उस कमरे में। इस कमरे की हालत बहुत खराब है, ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक काम करना, तुम वहां चलना उस कमरे में और फटाफट तैयार हो जाना। चलो चलो चलो। सर, हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? जा तुम कहो। ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है, इसमें मैं सब कुछ रखता हूँ। कान साफ करने का सलिया, पाउडर, कंघी, मोबाइल। लेडीज बैग में? नहीं नहीं, लेडीज बैग नहीं है, लेडीज बैग जैसे दिखता है लेकिन एक्चुअली ये लेडीज जेंट्स बैग है जो लेडीज बैग जैसे दिखता है। अच्छा है ना? छोड़ो, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बिल्कुल कमाल की लग रही हो। एक स्कार्फ डाल लूं उसके ऊपर? नहीं नहीं, स्कार्फ की जरूरत नहीं। चलो तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुको ना, दिखाती हूं, एक मिनट। रेडी? मैं तो कब से तैयार हूं। चलो। तुमने मेरा बैग क्यों पकड़ रखा है? अब ये तुम्हारा बैग है? अब इतना सुंदर बैग है, मैं इसकी खूबसूरती देख रहा था। ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है। मैंने एक्चुअली, मुझे लगा कि ये बैग वो बैग है और वो बैग ये बैग है, इसके लिए मैंने वो बैग उठा लिया। लेकिन एक्चुअली अब ये तुम्हारा बैग है और ये मेरा बैग है। चलो चलो चलो, क्या कंफ्यूजन है, छोड़ो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन खाने वाला है और कौन नहीं खाने वाला है? और जो खाने वाला है वो क्या खाने वाला है, जो नहीं खाने वाला है वो क्या क्या नहीं खाने वाला है, बता दो। ले घड़ी जाओ। I'm ready. पाव वगैरह नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। सैम, अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, हमको नंगे दिख रहे हैं क्या आपको? एक मिनट, स्टॉप ग्रैबलिंग अस। अरे आप, और आई विल कॉल मोस्ट सिक्योरिटी, गो। ये अरे क्या, तेरे साले होटल में मुंह दूंगा भी नहीं। तुम्हारे पास मोबाइल है? मुझे एयरपोर्ट फोन करना पड़ेगा ये बताने की मैं यहाँ पर हूँ। सॉरी मैं भूल गया। ठीक है ना, चलो हम रिसेप्शन से फोन कर लेते हैं। Listen, अगर मुझे अपने कमरे में जाने की आजादी नहीं है तो मैं चिल्ला ही है ना उस घर में। ओ आओ, धक्का क्यों मार रही हो? अच्छा अच्छा, खड़े होके धक्का मारो मारो मारो। Excuse me, can I make a call please? Wait please. पूजा, चलो किसी दूसरे होटल में चलते हैं। अरे क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। बदबू नहीं आ रही है? मुझे पता था तुम्हें सर्दी हो चुकी है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यही रुको, मैं भी फोन करके आई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझ पे, जब भी मैं छत पे रहता हूँ ना, ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरता तो बस हमेशा यही सोचता हूँ
कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी मेरी स्वीटी, मेरा मतलब है मेरी दीप्ति, 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 मेरी बात तो सुनो। साले तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है? इस शहर के अंदर हजारों रेस्टोरेंट है, तुझे यहाँ कर मरना था? इस शहर के अंदर हजारों रेस्टोरेंट है, तुझे भी यहाँ कर मरना था? साले एक दूंगा, मेरी नकल करता है तू? क्या करता है यार, अगर तू मुझे बताता कि जो यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं आता, कहीं और जाता ना। समझ में नहीं आता मेरी किस्मत में ये खत्म कब होगा। अच्छा स्वीटी कहाँ? स्वीटी नहीं, पूजा। पूजा, पूजा ये भूतिया क्या कर रही है? देख मैं घर से निकल रहा था, मुझे पता नहीं वो सामने से आ रही थी तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। तो स्वीटी कहाँ है? स्वीटी, स्वीटी तो घर पर है। उसको घर क्यों छोड़ा? तुम्हें क्या दोनों को साथ में लेकर आया था क्या? तो स्वीटी कहाँ अभी? स्वीटी मैंने बुलाया, घर पर है। मेरा मतलब पूजा कहाँ है? पूजा, पूजा फोन कर रही है। फोन कर रही? या ओके? आज तो मर गए यार, बर्बाद होकर फंस गए, गेम खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सर साहब समझ नहीं आया। ओके फाइन। अरे वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं यार। एक काम कर, मैं दीप्ति को लेके घर जाता हूँ। ओके। मेरे घर पहुंचने से पहले तू मैम्बो को फोन कर और उसको बोल स्वीटी को किसी और कमरे में डाल दे। ओके। समझे? लेकिन कैसे? मुझे नहीं मालूम यार, हर काम मैं ही बताऊं। उस बुड्ढे को बोल कुछ सोचने के लिए, सारा दिन ठूसता रहता है। उसको बोल, मुझे नहीं मालूम वो कैसे भी सोचेगा। मैं रहने दे, मैं रहने। एक्सक्यूज मी। अरे उन लोग कहाँ है? दीप्ति कहाँ है? पूजा कहाँ है? अबे उसको ढूंढ, मैं अपनी पनवती को ढूंढता हूँ। सुन 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 सुन, हाँ घर जाने मत देना उसको। ओके। छोटू गाड़ी निकल, बंपर मार, चली चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। जल्दी से उस गाड़ी का पीछा कीजिए। पूजा रुको, रुको, रुको। ड्राइवर चलो, चलो कम ऑन, रुको, तुम चलो, चलो चलो कम ऑन, रुको, तुम चलो ना। ओके 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 पूजा, हम कभी चलो बाबा, चलो जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? तू मुझे अकेले छोड़ के घर वापस जा रही थी, कितनी बेरहम हो तुम। सैम, मैंने मैक को देखा। मैक? वो मैक? पूजा, मेरा दिल तुम्हारे प्यार के दो बूंद के लिए इतना तरस रहा है और तुम वो मैक के पीछे भाग रही हो जिसने तुम्हारी पुकार सुन के भी तुम्हें अनदेखा कर दिया। वो क्योंकि? समझ गया, समझ गया, सच्चे प्यार के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। वो तो कोई गाना है ना? नहीं, वो गाना नहीं, गाना है। ड्राइवर गाड़ी रुको, गाड़ी रुक दो, तुम यही रुको, मैं अभी गया, अभी आया। सैम तुम कहाँ जा रहे हो? सैम, सैम। एक सेकंड। मैम्बो, एक ग्लास पानी देना। बॉस फोन कहाँ है? फोन वहां पर है। वहां पर है? हाँ। मैमो सुन, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डैम इट, सिंगापुर फ्लाइट वहाँ बहुत जल्द पहुँचने वाली है, लेकिन उसके पहले बैंकॉक फ्लाइट का ऐसे इंतजाम करना कि वो सुबह से पहले नहीं उठे, क्या समझा? हाँ बॉम्बे फ्लाइट मेरे साथ है। बॉम्ब? मुंबई फ्लाइट, मुंबई फ्लाइट मेरे साथ है और वो उड़ान भरने की तैयारी में है और मैं ध्यान रखूंगा कि वो वहां तक नहीं पहुंचे और वैसे ही करना जैसे मैंने बताया। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे यार समझे, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आतंकवादी है और कोई हवाई जहाज हाईजेक करने के चक्कर में है वो। उसका प्लान बहुत ऊंचा है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती है ना, इसको अपन रोक के रखते हैं। ओके। ये शाने जाता किधर है? घर,
जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पुलिस हमको सब मालूम है साले आतंकवादी। मैम्बो, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? सिर्फ मेरी वाइफ से। तुम्हारी वाइफ भी है? अरे नहीं, थी, भाग गई मेरे छोटे भाई के साथ। ओह, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। क्योंकि तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं है ना? मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा मैक मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता। मैक की कितनी आंखें और कहां कहां घूमती है तुम्हें क्या पता। देखो अगर तुम सुन रही हो तो मैं बता दूं, ये जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मजबूरी में कर रहा हूं, वो लोग करवा रहे हैं मुझसे, समझ गई तुम? अब उनका नमक खाया तो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। नींद की गोली थी रोमांस की। वो लड़की को ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगा दिया मैंने? मैंने सिर्फ नींद की गोली दी है, इससे आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। सुनो, वो दूसरी फ्लाइट आने वाली है, उससे पहले वो आए हम उस लड़की को उठा के दूसरे कमरे में रख दे। चल चलो कमो। सॉरी भारी वजन हो गया इसका। चुप कर काली जबान, इसको कुछ हो गया मुझे जेल जाना पड़ेगा, और तू चाहता मैं इस उम्र में जेल की रोटियां तोड़ूं? दिमाग से और अपने शरीर से। मैं तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल नहीं देखना चाहता था। इधर आ। मैंने उसकी सारी चड्डियां उठा के बाहर फेंक दी, अब तुम आराम से सो सकती हो। मुझे तुम्हारे किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं चाहिए। अरे हमदर्दी कौन कर रहा है, ये तो तुम्हारा अधिकार है मुझ पे। अरे इसे तो प्यार कहते हैं। अरे चड्डियां क्या चीज है, मैं तो अपने आप को तुम्हारे लिए बाहर फेंक दूं इस घर के। तुम सिर्फ प्यार चाहते हो लेकिन बदले में प्यार देने के लिए तैयार नहीं हो। इतनी बेरहमत बनो जाना, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। झूठ, तुम एक औरत के दिल को कभी समझ ही नहीं सकते। अरे एक औरत का, मैं तो बहुत सारी औरतों के दिल को समझता। मैंने वो ऐसी किताब पढ़ी है, वो क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वुमन साइकोलॉजी। यस सब झूठ, मैं जानती हूँ तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध है। कैसी बातें कर रही हो, क्या बेहूदा बातें कर रही हो। बेहूदा बात नहीं, तुम कर रहे हो। एक औरत को औरत की तरह रहना चाहिए, औरत की तरह बातें करनी चाहिए, अच्छा बाजार औरत की तरह नहीं। मेरी बात सुनो,
तृप्ति मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो प्लीज, दरवाजा खोल दो। मेरी शोना, मेरी बेबी, मेरी जानू, बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूं, मैं तुम्हें पकड़ देता हूं, तुम ऐसे नहीं आ सकते। एक महीने का नोटिस दिया बगैर तुम नहीं यहां से हिल सकते। नोटिस पोटिस? नोटिस मैं रोज देता हूं, तुमको नोटिस नहीं होता है। तुम क्या मुझे पकड़ दे तो कुटी बकोगे, कुटी बकोगे तू? मैं जा रहा हूं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, मैं जा रहा हूं बस। तुम नहीं जा सकते। पूजा मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि पूजा कहाँ गई होगी, पूजा क्या कर रही होगी, पूजा कैसे आएगी। बस पूजा का नाम लिया कि पूजा दरवाजे के सामने से, मैं लगता है मेरे मुंह में सरस्वती बैठी। पूछो इसको, पूछो। अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो। बहुत जरूरी बातें कर रही हूँ मैं तुमसे, अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ खास बात है। क्या हुआ मैक? मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, बस हम अलग हो जाते हैं। मजाक में भी ऐसी बात मत किया करो, अरे मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा कोई दिल नहीं जो टूट जाए। अब हम इसे आगे नहीं निभा पाएंगे क्योंकि इस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं। अच्छा तुम कैसी बात कर रही हो? अरे कल तक तो मैंने यही सोचा कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। कल तक मैं शाम को नहीं जानती थी ना। शाम और तुम, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ? वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो अपने चेहरे पर नकाब पहनकर नहीं घूमता है। तुम भले मेरे साथ मत चलो लेकिन तुम उसके करीब भी मत जाना। तुम नहीं जानती वो कितना गंदा आदमी है, कितना नीच आदमी है। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं उसकी सारी पोले खोलूंगा। इतनी जल्दी किसी पे भरोसा मत किया करो पूजा। किसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का ये मतलब नहीं कि उसका प्यार सच्चा है। पूजा मेरी बात सुनो। मुझे मैक गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच में जो था वो खत्म हो चुका है, तो तुम इसे भूल जाओ। I'm leaving. Forget it. Bye. Pooja, we are made for each other. Pooja, meri baat suno. Pooja, don't just do this. Sab kuch theek hai? Theek nahi hai, lekin theek thaak ho jayega. Kitna khoobsurat swarg tha ye. Apni aankhon ke samne ise nark hote hue nahi dekh sakta. Bye. ये कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ, बताता हूँ, तू रुक रुक, मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा है वो। ए श्याम भाई, हाँ सुनना, मैंने एक पौधा लगाया। कब? बहुत पहले की बात है, तेरे आने से पहले की बात है। उसको मैंने पानी डाला, खाद डाला, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाया, वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। उसके अंदर फूल लगे, फिर फल। एक दिन एक हरामखोर फल को तोड़ के खाने लगा। अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। साले को पकड़ के दे। मैं तो बोलता सही बोलता है। तू ये जहाँ चार यार मिल जाए वही बात हो जाए, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जब। I love you too. Sorry, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के यहाँ चली आई। कोई बात नहीं, मैं भी पानी पी के आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तुम तो मुझसे बिल्कुल ही बात मत करना। I'm sorry, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाना सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? जाओ तुम अपने रूम में जाके आराम करो, अपने स्किन का ध्यान रखो, जाओ। हराम खोर, मेरा छोरा हराम कर रही है। ये क्या हो रहा है? आ गई। ये सब क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मसाज दे रहा हूँ उसको, पॉन्डिचेरी मसाज है। हाथ खोल बे। सैम, खड़े हो जाओ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है हमारी जिंदगी के बारे में। ओके। मैं एक मिनट में आया डाली। ओके। और मार रहे ना तो मारा। मैं वो चला गया, अगर तू कहता है तो मैं भी चला जाता हूं, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुझे ये खेल संभालना बहुत भारी पड़ेगा। सोच ले क्या करना है। ठीक है, आज से पूजा तेरी और दीप्ति और स्वीटी मेरे साथ। ओके। हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे, पक्का? ओके। और सुन, सुबह होते ही इन लोग तीनों जब काम पे चले जाएंगे तो आप उन्हें आराम से बैठ के प्लान करेंगे कि आगे का खेल कैसा खेलना है। ठीक है, डन। ओके, गुड नाइट। ओके, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, पूजा उधर है। हाँ। जल्दी करो, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। सैम डार्लिंग, जल्दी चलो, एयरपोर्ट जाने के लिए देरी हो रही है। आज से बात करो, सब लोग उठ जाएंगे। कौन सब लोग? यहाँ पर हम सिर्फ तीन ही तो हैं। अरे मेरा मतलब है सब लोग, मतलब आस पड़ोस के लोग उठ जाएंगे, और वैसे ही सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट की, जरा आज से बात किया करो। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है। मैं कल के लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गई ना। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें कल रात को ही माफ कर दिया था, औरतों को तो मैं उसी वक्त माफ कर देता। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। अच्छा, अभी रोमांस का टाइम खत्म हो गया, बाहर जाओ, इसकी फ्लाइट का टाइम शुरू हो गया। ओके, चलो। बाय बाय। ये कौन है? कौन 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 है? ये अपना सैम की मम्मी है। चलो दीप्ति, जल्दी चलो। एक मिनट मैं, जब पहचान करा रहे हो तो दोनों तरह से करानी चाहिए ना। तुम एक दूसरे को नहीं जानते? ये दीप्ति है। दीप्ति जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो, लेट का टाइम हो गया। नहीं नहीं नहीं, परिचय अभी भी पूरा नहीं हुआ। ये बताओ कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई? टैक्सी में आई। मेरा मतलब है इस लड़की का इस घर से क्या लेना देना है? अच्छा, इस लड़की का इस घर से क्या लेने देना है? इस लड़की का इस घर से क्या लेना देना? दीप्ति एक एयर होस्टेस है, और पूजा पूजा शाम की मंगेतर ये भी एक एयर होस्टेस है। कमाल की बात है, दोनों एयर होस्टेस है, और कमाल की बात है दोनों यूनिफॉर्म भी पहन दिए। चलो चलो चलो। एक मिनट, तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? हाँ बताओ, क्या कर रही थी? मैं अपना यूनिफॉर्म पहन रही थी। अपना यूनिफॉर्म पहन रही थी? एयर होस्टेस है तो यूनिफॉर्म तो पहनेगी ना, कोई बैंक में या ऑफिस में थोड़ी काम कर। दीदी चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया। थैंक्स। तुम इसे जानते हो? ये यहाँ पर क्यों आई है बोलो ना, टेल मी। एक मिनट, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई मंगेतर है? वो क्या है ना कि कल रात को ही हम लोग मिले, कल रात को ही प्यार हो गया, और कल रात को ही डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। तुम्हें से कहाँ मिले? बल्लभ साहब आते हैं, फ्लोर नंबर 13। हाँ, लेकिन ये तो इसी घर का एड्रेस है। ये तो इसी घर का एड्रेस है। हाँ, हम मैक का इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? मैक, तुमने सुना इसने क्या पूछा? रिश्ता क्या है? ये सब पागल हो जाएंगे, चलो यहाँ से। मैक, जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने अभी भी ठीक से इस लड़की का परिचय नहीं दिया है। ये मेरा मंगेतर है। ये तुम्हारा मंगेतर कब बना? काफी अरसे से ये मेरा मंगेतर है। हाँ, ये मंगेतर जो काफी अरसे से तुम्हारा मंगेतर है, वो तो कल तक मेरा मंगेतर था। हाँ तो ये सही है ना, ये मेरी प्रेमिका थी, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेमी। वो तो एक ही बात हुई। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो तो एक ही बात हुई, लेकिन अब ये इसकी प्रेमिका है। अरे लेकिन सैम से तो मैं कल ही मिली हूँ। हाँ, हम लोग कल ही मिले, और कल ही हमारा प्यार शुरू हो गया। बस सुना, अब तो मुझ पे विश्वास करते हैं ना। अच्छा, अब मैं समझ गई, ये तुम दोनों की मिली भगत है। हो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम चाहिए तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन बल्कि ऑन द कंट्री तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम अच्छे घराने के हो। डोंट फॉरगेट दैट। शट अप। मतलब इतने लंबे वास्ते तुम हम दोनों के साथ प्यार खेल रहे थे? क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट। बस जो
कुछ हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हमें सही रास्ता दिखाया, हमें अपनी मंजिल दिखाई, बस। सैम आज के बाद पूजा तुम्हारी, दिखती मेरी। आज के बाद हमारी जिंदगी में और कोई भी लड़की नहीं आएगी, सोचना भी पाप है, याद रखियो। आगे हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, रो मत। पूजा हाथ दो, पूजा ज्यादा सोचो मत, हाथ दो, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ दिप्ति, ये हुई ना बात, अब हम साथ 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 रहेंगे, ठीक है ना, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। I love you. I love you. Back, darling. ये दोनों लड़कियां कौन है? तेरी फाट लग गई, फाट तेरे को कैसे मालूम पड़ा? वो नागेश्वर है ना, नागेश्वर। हाँ कौन, वो सफेद ना? हाँ, उसने अंजलि को पैसे देकर तेरे सेटअप के बारे में सब कुछ बता दिया, खुल्लम खुल्ला। सत्यानाश हो, इस सफेद नाग का मरवा दिया इसने मुझे। ये लड़कियां भी गई और वो तीनों लड़कियां भी गई। वो तीनों कैसे गई? थोड़ी देर यहाँ रुक। हाँ। वो आती है लड़कियां, झाड़ू चाकू बर्तन सब लेके आती होंगी, पूछ लेना, बता देंगी वो क्या हुआ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास जाके मरूँ? ये सुन सुन सुन, इससे पहले कि अंजलि इंडिया चली जाए, तू चलकर उसके पैर पकड़कर माफी मांग ले, नहीं तो वो तेरे जीवन में देख लो नसीब नहीं होगी। चल मैं अंकल, 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 अंजलि कहाँ है? वो तो चली गई। और क्यों नहीं जाती? उसको तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अरे तुमसे नाता जोड़ के उसने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हारे लिए क्या है? तुम किसी एक लड़की के हो ही नहीं सकते। लड़कियां तुम्हारे लिए दिल बहलाने की चीज है, खिलौना है, और अंजलि खिलौना नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी म्यूजिकल चेयर का गेम जारी रखो, जाओ जाओ, भूल जाओ उसको, चलो जाओ। अंकल कितने बजे की फ्लाइट है अंजलि की? 6:30 बजे। थैंक यू अंकल। नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे आपको आने को कौन कह रहा है? मुझे सिर्फ टाइम देखना है। टाइम देख ले, मैं आऊंगा। एक मिनट, एयर इंडिया फ्लाइट। वो तो चली गई। कितनी देर हुई? आधे घंटे पहले। बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब रासलीलाएं, तंग आ गया हूँ। अब मुझमें और ताकत नहीं है, मतलब नहीं है, अब हमसे और सही नहीं होता। अंजलि, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने उसे सब कुछ बता दिया और इसने तुम्हें माफ भी कर दिया। सारे फसाद की जड़ी अंगूठी है। चल निकाल इसे, निकाल। और पैना भाभी को हमेशा के लिए। चलो भाई, सब कुशल मंगल हो गया, वाह वाह। आज से सिर्फ सिर्फ घर गृहस्थी पर ध्यान दो। क्या भागो?
मुश्किल है कितना मुश्किल मन पे काबू कर पाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना। मुश्किल है कितना मुश्किल मन पे काबू कर पाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना। तेरी रंगत गरम मसाला, रंग तेरा गरम मसाला, तेरी चाहत गरम मसाला, अंग तेरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किसने मैं होंट तेरे मैं को प्याला, किसने मैं तू है मेरा गरम मसाला। ये तेरी शोखदाएं, ये तेरी मस्त जवानी, एक दिन तू बन जाएगी मेरे सपनों की रानी। हाँ ये तेरी शोखदाएं, ये तेरी मस्त जवानी, एक दिन तू बन जाएगी मेरे सपनों की रानी। इश्क तेरा गरम मसाला, हुस्न तेरा गरम मसाला, तेरा जलवा गरम मसाला, जिस्म तेरा मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। किसने बेबे होंठ तेरे मैं कब्याला, किसने बेबे तू है मेरा गरम मसाला। तेरी आंखें गरम मसाला, तेरी बातें गरम मसाला, रूप तेरा गरम मसाला, उफ़ ये नखरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे।